हेलो 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 हेलो, आर यू गाइस रेडी? हेलो हेलो हेलो, सबको आवाज़ आ रही है क्लियरली? वह बास कमी कराना। हेलो हेलो हेलो, अजून कमी करा। हेलो हेलो हेलो, जीरो करूँ मैं क्या कहता? जीरो जीरो बास जीरो। हेलो हेलो हेलो, ओके आवाज़ आ रही है सबको ठीक से? क्लियर आवाज़ है, क्रिस्टल क्लियर? बोलो हाँ है ना। चलो चलो, आर यू गाइस रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, सबका ध्यान है? ओके तिनी चॅनलवर स्ट्रीम केलं? आवाज वाढवा ना थोडा। हॅलो 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 हॅलो, ओके लाईव्ह स्ट्रीम में आवाज क्लियर है क्या? कृपया मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है लाईव्ह स्ट्रीम में? प्लीज कन्फर्म वन्स। ओके चलिए शुरू करते हैं। सो हर हर महादेव मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पूछो क्या? होमवर्क किया क्या? जमा क्या? ओके स्टार्टिंग में कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, इट्स जस्ट रिगार्डिंग स्टेप्स ऑफ द लॉ, ठीक है? एग्जाम में हालांकि कल जो क्वेश्चन दिया वैसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, पर वो कैसा है कि कोई भी बड़ी जर्नी शुरू करने के पहले एक छोटा सा कदम जरूरी रहता है, बराबर है? हाँ है ना। तो कल का एक छोटा सा कदम था, अगले एक दो तीन दिन तक हम ऐसे ही छोटे छोटे कदम लेते रहेंगे, अनलेस एंड अंटिल वी रीच टू एग्जाम क्वेश्चंस, और फिर एक दिन हम एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे और उस दिन आपकी फटके हाथ में आ जाएगी, ठीक है? तो वो जो प्रिपरेशन है उस दिन आपकी वाट ना लग जाए, इसलिए डेली बेसिस पे आज कल परसों जितने सवाल मैं दूंगा कृपया लिख के लाइए, ठीक है? जिन्होंने लिख के लाया बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आज बेसिकली मैं उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उसको कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर मुझे सबसे पहले शुरू करना बहुत जरूरी है। डेमो वेमो गया तेल लेने। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉ में कॉन्फिडेंस बनाना है। तो आज मैं कॉन्फिडेंस बांट रहा हूं, इट अप टू यू कि तुम कितना रिसीव कर सकते हो, ठीक है? आज के लेक्चर के बाद एक तो तुम लॉ में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहोगे, अदरवाइज जिसने ध्यान नहीं दिया, जो रिसेप्टिव नहीं रहा, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहे। और लेक्चर जिस तरीके से मैं अभी आज लूंगा, सिर्फ मेरे साथ रहने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूं उस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करना, आप उसमें से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिएगा। अब सिर्फ इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हम सर के साथ में है क्या। मैंने तुमको बोला कि इस चीज को रिपीट करना है, रिपीट करना है। मैंने बोला ये व्हाइट दीवार है, इसको ब्लैक बोलना है, ब्लैक बोलना है, ठीक है? इसको रेड बोलना है, रेड है, लाल हो गया लाल, ठीक है? पर आपका एक जिम्मेदारी है, सिर्फ लेक्चर भर में मुझे सिर्फ फॉलो करते रहिए। लेक्चर इंटरेस्टिंग ही होगा क्योंकि आज हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी गुड केस स्टडीज,
एंड वो केस स्टडी है, दैट इज ओयो स्टोरी. ठीक है, प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने एज अ डेमो लेक्चर इसको देखा होगा, क्योंकि लास्ट बैच में मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर करके ही लिया था. हो सकता है आप इस लेक्चर के एंड तक उस वक्त ना पहुंचे हो अगर आपने इसको डेमो में देखा होगा तो. एक्चुअली इस लेक्चर का, इस स्टोरी का जो मेन इंटेंट है वो सबसे एंड में ही है. ठीक है, सो आप सिर्फ स्टोरी के साथ बने रहिए, इससे आपका एक केस स्टडी भी हो जाएगा और बचा हुआ मुझे जो कुछ करना है वो भी हो जाएगा. ठीक है, आर यू गाइस रेडी? अरे बोलो ना, हाँ या ना. एक स्टार्टअप किस प्रकार से बड़ा हो सकता है, दैट टू यूनिकॉर्न स्टार्टअप, दैट टू प्रॉफिटेबल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज हम सेट कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि ये केस स्टडी सिर्फ केस स्टडी मात्र बन के रह जाए, इस केस स्टडी से हमको बहुत सारी चीजें सीखने भी मिल सकती है. दैट हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू बी एन इंस्पिरेशन, हाउ टू वर्क, और सबसे एंड में जो मेरे को इंटेंडेड है वो भी चीजें. इज इट? बोलो हाँ या ना. तो फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से, हम स्टोरी के साथ शुरू करेंगे. आ जाइए बच्चों, फर्स्ट टेक योर प्लेसेस फटाफट. जितने लोग मस्त बाहर खड़े रहे, थैंक यू सो मच, पहली बार रूल फॉलो हो रहा है. ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, मानोगे 2 मिनट के लिए प्लीज? बच्चों बोलो हाँ है ना. दो दिन से ऐसा हो रहा था, मैं जब पढ़ा रहा हूं ना, किसी को एकदम जोर से आ जाती है, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा बाहर. तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट स्टे फॉर 5-10 मिनट्स इफ पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूं ना, आई डोंट वॉन्ट, ठीक है आपको, आप थोड़े से डिस्टर्ब हो इट्स ओके, बट आपके वजह से आपके आजू बाजू वाले 4 लोग डिस्टर्ब हो जाए, इसको अवॉइड कीजिएगा. ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. हाँ, जब मेरा कंसेप्ट खत्म हो गया है, आप चार्ट वार्ट लिख रहे हो, बिंदा सूट के आप जा सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड, देर इज अ प्रेस्टिज पॉइंट और आपकी लाइफ काफी डिफिकल्ट है, आई नो दिस, आई हैव बीन थ्रू दिस. सो एक और क्वेरी आया था मेरे को अभी जस्ट क्लास में आने के पहले, सर हम क्लास में कुछ खा पी सकते हैं क्या? ठीक है, खाने तक ठीक है. ठीक है, सो आप खा वगैरह सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो, बट जस्ट ट्राई कि जब लेक्चर चल रहा है या कोई कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली पुश करना चल रहा है, ठीक है, एट दैट टाइम यू शुड बी मोर फोकस्ड एंड मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स मी. इज इट वेरी क्लियर? तो बिंदास ड्राई फ्रूट्स वाई फ्रूट्स खाते रहिए, डब्बा लाए डब्बा खाते रहिए बाजू वाले को पकड़ के. ठीक है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, खाना पीना, खुद की हेल्थ मेंटेन करो. और मैंने फर्स्ट डे ही डायरेक्शन दिया था कि अगले 20-25 दिन ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ टोल. 11-12 घंटे एक ही जगह पे बैठ के स्पाइनल कॉर्ड की धज्जियां उड़ा के और भी चीजों की. ठीक है, क्लास करना, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो. ठीक है, जस्ट यू कैन ईट, यू कैन डू वॉट एवर यू विश. ठीक है, किसी को ऐसा भी सिचुएशन लगता है कि नहीं सर अभी बहुत देर तक बैठा नहीं जा रहा मेरे को, खड़े रहना, पीछे आके मस्त खड़े भी रह सकते हो. नहीं नहीं सर ऐसी ठीक है, बेस्ट है. चलो स्टार्ट कर, बोलो हाँ है ना. सो वी आर स्टार्टिंग विद द ओयो स्टोरी. पूरे लेक्चर में मुझे फोकस चाहिए सबका. आर यू अलर्ट? आर यू रेडी? चलो बहुत बढ़िया. सो ओयो स्टोरी, हालांकि ओयो का एज ए एंटरप्रेन्योरल स्टोरी ये बहुत डिफरेंट है. हाँ, आपके पर्सनल ओयो के अलग अलग स्टोरीज हो सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली बताने लायक नहीं होंगे. ठीक है, तो मैं यहां वो स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक 17-18 साल का बच्चा किस प्रकार, आपकी एज का एक 17-18 साल का बच्चा आपकी एज का किस प्रकार एक छोटा सा बिजनेस मल्टी स्केल बिजनेस बनाता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक लेके जाता है और दुनिया के टॉप 3 धुरंधर होटल इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ा देता है. इट्स नॉट अ स्मॉल स्टोरी, इट वॉज अ नीड ऑफ द टाइम. आप इससे सीख सकते हो कि एक बंदा अगर खुद के करने वाले के ऊपर आ जाए तो क्या कुछ कर गुजर सकता है. आप सिर्फ इस चीज के अंदर ये सोचिएगा कि कितने डिफिकल्ट टाइम इस बंदे ने फेस किए होंगे फॉर द पर्पस. और मैं नॉर्मली अगर इनका स्टोरी बोल रहा हूं तो मैंने जितने स्टार्टअप और उन स्टार्टअप के फाउंडर्स देखे हैं उसमें से दिस वन आई पर्सनली एडमायर हिम अ लॉट. रीजन इज, ये बंदे ने ना इतने साल से होटल इंडस्ट्री रन किया है, भले बिजनेस कैसा भी हो, कोई भी नीड के लिए यूज होता हो, बट ही इज अ मास्टर बिजनेस प्रोफेशनल. ठीक है, आपने कभी भी इस बंदे के खिलाफ कोई साइड न्यूज, कोई गलत न्यूज, या इसने कुछ गलत स्टेप ले लिया, या किसी स्टार्टअप शो के अंदर बहुत कुछ भारी, अभी ही इज बीन इन्वाइटेड शार्क टैंक में, हाँ है ना, कि कुछ गलत कह दिया या गलत बोल दिया,
काम है, कंपोज्ड है, एट द पॉइंट है, प्रोफेशनल है. ही नोज हाउ टू रन हिज बिजनेस एंड दैट शोज फ्रॉम दिस. आपको एक खास बात बताऊं कि दिस इंडस्ट्री, दिस कंपनी स्पेसिफिकली हैव सर्वाइव्ड थ्रू अ कोविड लॉकडाउन, वो भी जबरदस्त तरीके से, जब होटल्स के बुकिंग जीरो पे आ गए थे. एट दैट टाइम ऑल्सो दिस इंडस्ट्री सर्वाइव्ड. सो आप सोचिए कि दो साल तक होटल की बुकिंग जीरो आने के बावजूद भी हैज सर्वाइव्ड. Are you understanding? So that means business में कुछ ना कुछ कैलिबर है. मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, 1000 days, 2000 days, 3000 days. ये तीन डिजिट्स को कृपया लाइफ में याद रखे. 1000 दिन तक अगर आप कोई चीज कर गुजरते हो, बहुत पॉसिबिलिटी आप उसमें सक्सेसफुल बनोगे. 2000 दिन तक आप कोई चीज कर सकते हो तो बहुत पॉसिबिलिटी आप उसके अंदर मैसिव अर्निंग शुरू कर दोगे. और 3000 दिन तक के अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली कर सकते हो तो हो सकता है आप उसमें लेजेंडरी बन जाओगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एंड द इनकम एंड एक्सपर्टीज विल बी अ सेकंड गेम पार्ट. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले यस और नो. एंड दैट्स वी हैव टू लर्न. सो ओयो, ओयो ये वर्ड का एक लॉन्ग फॉर्म भी है. सर लॉन्ग फॉर्म भी होता है? ओयो वर्ड का लॉन्ग फॉर्म है ऑन योर ओन. दिस इनिशिएशन इज बेसिकली स्टार्टेड बाय अ 17-year-old गाय इन 2011. नाम क्या है? रितेश अग्रवाल. ही हैज स्टार्टेड ओयो जब उनको 17 ईयर्स के एज में थेल से फेलोशिप मिला था, स्कॉलरशिप मिला था. और उस स्कॉलरशिप में से ये बंदे ने $1,00,000 का स्कॉलरशिप था, नियर टू 70 लाख रुपीज के आसपास, जिसमें से नियर टू 65, जिसमें से ये बंदे ने खुद के हाथ से 30 लाख रुपीज लाए और इस वेंचर के अंदर इन्वेस्ट किए. आपको पता है ओयो का ओरिजिनल नाम ओयो था भी नहीं. ओरो का ओरिजिनल नाम था कॉटे. ये ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट और इसका ओरिजिनल नाम इसने रखा था ओरादेल स्टेज. दिस मॉडल इज कॉल्ड एज बेड एंड द ब्रेकफास्ट मॉडल. व्हाट इज बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल? कि आप, हाँ मतलब ओयो में ब्रेकफास्ट भी एंजॉय करना होता है. ठीक है. सो बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल क्या होता है कि भैया मैक्सिमम इसने इंडस्ट्री का नीड समझा कि लोग दिन भर काम करते हैं, अलग अलग सिटीज में घूमते हैं, जिनके ट्रांसपोर्ट बहुत सारे सिटीज में अलग अलग अप डाउन के काम होते हैं, वो लोग दिन भर काम करते हैं, रात को रेस्ट करने के लिए उनको सिर्फ एक जगह चाहिए और सवेरे उठते से ही एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट चाहिए. सो दैट सेकंड डे दे शॉल स्टार्ट इनिशिएटेड विद द वर्क, कि फुल एनर्जी के साथ दूसरे दिन वो काम के ऊपर जा पाए. एंड दैट्स व्हाई ही केम विद द मॉडल कि भाई नाइट स्टे के लिए एक बेड और दूसरे दिन का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दैट्स इट. दिस एक्चुअली दिस कंसेप्ट इज कॉपीड फ्रॉम द एयरबीएनबी. Inspired from Airbnb. Inspired is better name for the copied. ठीक है. So this is copied from Airbnb. Doesn't matter how successful it is, that matters. Einstein ने बोला है, creativity is the art of hiding the source. अगर आप source को छुपा सकते हो तो आप वो चीज आप ही की creativity माना जाएगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. जोर से बोले एक बार. सो नो. सो ही कॉपीड Airbnb मॉडल एंड ही used it very well. और ओरावेल स्टेज से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इसको ओयो इंडस्ट्री के नाम पे नाम देने के लिए, मतलब ही जस्ट स्टार्टेड विथ दैट्स इट 2 hotels and 10 rooms. 2 hotel और 10 room. करता क्या था? छोटे मोटे लॉजेस जो होते थे जिनके अंदर कोई रिजर्वेशंस नहीं लेता था. नॉर्मली आप अगर जाओगे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास में तो हाँ आपको छोटे मोटे होटल्स दिखेंगे, लॉजेस दिखेंगे, जहां आप जाने की इच्छा भी नहीं रखते. राइट? बोलो हाँ है ना. शैबी से होटल लगते हैं, शांति से होटल लगता है, आपको लगता है नहीं यार यहां कहां रहना. बोले ऐसा नो, एटलीस्ट एक सोफिस्टिकेटेड प्लेस होना चाहिए रहने के लिए. इस बंदे ने उन लॉजेस को हायर करके उसके ऊपर खुद का खर्चा लगा के 20-30 लाख का उनको रिनोवेट किया और उनको वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट कर दिया. रिनोवेशन से होटल्स के लुक चेंज हो गए, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गए, लोगों को रहने के लिए कंफर्ट मिलना शुरू हो गया. और ऑनलाइन पुट करने के वजह से उन लॉजेस का जो पब्लिक मार्केट नहीं था ऑल ओवर इंडिया का, वो पूरा पब्लिक उनका मार्केट बन गया. आज के डेट में पूरा इंडिया ऑनलाइन बिजनेस इसीलिए करता है क्योंकि कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा एक्सपांड होता है. एंड दैट्स व्हाई विद द 2 hotels and 10 rooms ही जस्ट स्टार्टेड 2 hotels 10 room. उसके लिए बंदे को 31 लाख रुपए लग गए एंड वेबसाइट डेवलपमेंट और उसको पुट करने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर यह चीज धीरे धीरे डेवलप करते करते इसने इसका एक कंपनी बना दिया 3 साल के अंदर. हाउ मेनी इयर्स? जोर से बोले एक बार, 3 साल. प्लीज 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 पुट योर एंटायर अटेंशन टू डिजिट्स ऑल्सो एंड जो वर्ड्स में हिंदी में लिख रहा हूं उसके तरफ भी प्लीज. ठीक है. सो इसने ओयो बनाया. बैठ के सिर्फ सुनोगे तो प्रवचन लगेगा.
एक्ट विथ मी जितने सेंसेस इन्वॉल्व करोगे उतना बड़ा मेमोरी बनेगा, ठीक है? सो गो फॉर इट. बनाना, अरे जोर से बोलो, बनाना, बनाना नहीं, ठीक है? बनाना. लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? प्लीज. सो बनाना, कितने साल लग गए बनाने के लिए? 3 साल. ओरावेल स्टेज से ओयो के बनाने के लिए कितने साल लग गए? 3. शो मी हाउ मेनी इयर्स? 3. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? इसने 3 साल में ओयो ये नाम रख के इस बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया. ये बिजनेस का पोटेंशियल इमीडिएटली कुछ इन्वेस्टर्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप फंडिंग वालों को समझ में आया. आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक आपको देखने में बहुत भारी लगता है, 50 लाख बट रहे, 2 करोड़ बट रहे, 5 करोड़ बट रहे. मैं आपको बताऊं, शार्क टैंक इज नथिंग बट अ पीनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री. इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का शार्क टैंक जस्ट पीनट्स है, चने फुटाने. और शार्क टैंक में लोग जाते भी फंडिंग लेने के लिए नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग शार्क टैंक में फंडिंग देने के लिए बैठे हैं वो मैक्सिमम आज तक के इन्वेस्टमेंट 50 से 100 करोड़ तक ही कर पाए हैं, वो भी मैक्सिमम. वो भी वो बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उनके खुद के स्टार्टअप्स चल रहे हैं. बोलो हाँ या ना? तो शार्क टैंक इज जस्ट पीनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री. इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज धुरंधर ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप इनके अमाउंट्स और इनके फिगर्स देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार हम जो शार्क टैंक देख रहे हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज जस्ट पब्लिसिटी. मैं ये नहीं कह रहा शो बुरा है, शो बहुत अच्छा है. आई ट्रूली अप्रिसिएट इट, क्योंकि ऐसे ही शो से एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे जैसे लोगों को, हम में से जो बिजनेसमैन बनेंगे उन टैलेंटेड लोगों को एक अच्छा ब्रेक मिलता है. जितने भी कंपनी शार्क टैंक के ऊपर आए हैं उनका पब्लिसिटी मैसिव लेवल पे चेंज हो गया है, भले उनको फंडिंग मिले या उनको फंडिंग ना मिले. और अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं. कुछ आइडियाज तो मैं पर्सनली अप्रिशिएट करता हूं, आपको बताऊंगा भी जो मुझे पसंद आए, ठीक है? नाउ ओयो, मैं क्यों बोल रहा हूं शार्क टैंक इज अ पीनट्स, क्योंकि ओयो को देख के जो इन्वेस्टमेंट धुरंधर यहां पर उतरे हैं, उन 2 इन्वेस्टमेंट धुरंधर का, ये रितेश अग्रवाल ने 2 इन्वेस्टर्स को टैप किया था ओयो के लिए, बिजनेस स्केलिंग के लिए. पहला इन्वेस्टर है लाइट स्पीड, जो दुनिया का वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट फर्म ही है. एंड सेकंड इज कॉल्ड DSG. आप कभी इनके बारे में सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, यू विल नो कि कितने सारे स्टार्टअप्स के अंदर इन दोनों कंपनीज ने कितना. और एक्चुअल अभी तक के तो मैस्कॉट इन्वेस्टर आया ही नहीं है, ये तो इनका स्टार्टअप वाला है. ये वो लोग है जो रितेश अग्रवाल के साथ थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी है. So, 2 इन्वेस्टर और तीसरा रितेश अग्रवाल. एक बार सब जन बोलो, सब जन बोलो क्या 2 इन्वेस्टर और तीसरा. ये 2 इन्वेस्टर को किसने बुलाया? रितेश अग्रवाल ने. तो रितेश अग्रवाल ने इनको कुछ ऑफर किया होगा, कोई ऑफर डॉक्यूमेंट दिया होगा, कोई प्रोस्पेक्टस दिया होगा कि आओ भाई इन्वाइट करा किया होगा. सो रितेश अग्रवाल ने बुलाया है, बुलाना 2 इन्वेस्टर को, और रितेश अग्रवाल मिला के कितने? 3 लोग. 2-3. क्लियर है? एक बार वापस से मेरे साथ एक्शन. रेडी? सब जन सब एक्शन करेंगे हर एक हिंदी वर्ड के ऊपर. यू जस्ट स्टे विथ मी. रेडी? सबसे पहले क्या बोले एक बार? बनाना. कितना? 3 साल. दूसरा बुलाना. कितने लोगों को बुलाया? 2. और रितेश अग्रवाल तीसरा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो. लाइट स्पीड और DSG ने ओयो को कितना फंडिंग दिया होगा? एक चीज आप हमेशा स्टार्टअप कंपनी की याद रखना, स्टार्टअप कंपनी जब कभी भी किसी में इन्वेस्टमेंट करती है तो स्टार्टअप कंपनी सबसे पहले देखती है कि बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया. मुझे एक बात बताओ, ओयो में रितेश अग्रवाल ने अब तक कितना इन्वेस्ट किया है? सब जन बोलेंगे कितना इन्वेस्ट किया है? 30 लाख. ये देख के और इसका मॉडल देख के और उसका प्रचार देख के, उसका डेडिकेशन देख के, कंपनी सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, कंपनी पर्सन में इन्वेस्ट करती है. एंड दैट्स व्हाई आई सेड रितेश अग्रवाल क्यों अटमोस्ट प्रोफेशनल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट इज व्हाई लाइट स्पीड और DSG ने मिलकर 4 करोड़ रुपए का स्ट्रेट फंडिंग उठा के दे दिया रितेश अग्रवाल को. और रितेश अग्रवाल का ओरिजिनल फंडिंग 30 लाख रुपए का. टोटल अब ओयो के अंदर कितना पैसा आया है? 4.3 करोड़. एक बार जोर से बोलो कितना आया है? 4. ये कौन से फॉर्म में आया है? कैपिटल के फॉर्म में? अरे बोलो हाँ या ना? तो हम कंपनी में कैपिटल लगा रहे हैं. हम कंपनी में क्या कर रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं. सो लगाना, इसको हम क्या कहते हैं? बोले एक बार, लगाना. और कितना लगाया है? 4.3 करोड़. 4 करोड़ किसने लगाए? लाइट स्पीड. और किसने? सबजन बोलो, DSG. और 30 लाख किसने लगाए? रितेश अग्रवाल. एक बार सब एक्शन के साथ. रेडी? स्टोरी पूरा याद चाहिए.
ठीक है, बहुत अच्छे से केस स्टडी याद चाहिए। आज ऐसा समझना तुमको घर जाके ओयो का स्टोरी समझाना है, मम्मी पप्पा भाई बहन हॉस्टल में हो अपने दोस्त सबको, ठीक है, ओयो का स्टोरी ही समझाना है सिर्फ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसका बिजनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी हैव अ गुड बिजनेस। क्लियर है? सो सब जन रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है? बनाना, बनाना। कितना बोलो एक बार? 3 साल। दूसरा बुलाना, दो लोग, दो इन्वेस्टर और रितेश अग्रवाल। कितना? तीसरा लगाना, कैपिटल लगा रहे हैं ना? हाँ है ना? कितना? 4.3 करोड़। एक्शन करो क्या? लगाना। कितना? 4.3। आप देखो लगाना ये वर्ड हमेशा बिजनेस के लिए यूज होता है, कभी भी कोई बोलता नहीं यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो लोग बोलते कितना पैसा लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, तो दैट इज 4.3 करोड़। यहां तक समझ में आया? एक बार वापस से एक्शन कर लो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, ठीक है? रेडी सब जन, वापस से। हर एक बंदा एक्शन करेगा, जो यहां एक्शन करेगा वो वहां एक्शन कर पाएगा, ठीक है? सो 1 2 3 बोलो क्या है? बनाना। कितने साल लग गए? 3 साल, ठीक है? और थोड़ा सा, थोड़ा जोश में, ये कैसा बनाना है तुम्हारा, किधर बन रहा है, क्या बन रहा है, उस बनाने में कोई इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए प्लीज, ठीक है? आई नो तुम्हारी हालत बहुत खराब है जीवन में, इससे बुरा हाल इस देश में किसी का नहीं, यू आर द ओनली पीपल जिनका हालत खराब है, क्योंकि इतनी पढ़ाई इस देश में और शायद ही कोई कर रहा है, ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन इज डूइंग दिस, 140 करोड़ का। 1% भी बहुत बोलते हैं, 0.1% भी बोल सकता हूं, सो प्लीज भी, पर ये भी याद रखना तुम उस 0.1% पॉपुलेशन में से भी बनने वाले हो जो सबसे ज्यादा कमाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो बनाना शुरू करो, रेडी? सो सब बोलो क्या? बनाना। कितने साल लग गए? 3। बुलाना, कितने इन्वेस्टर को बुलाया? 2, रितेश अग्रवाल। तीसरा लगाया, कितना कैपिटल? 4.3 करोड़। 4 करोड़ किसने लगाया? लाइट स्पीड डीएसजी। और 30 लाख किसने लगाया? रितेश अग्रवाल। इज इट वेरी क्लियर? भाई टैलेंट है, टैलेंट है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, इंटेंट है, 4 चीजें। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो 4 चीजें बहुत जरूरी है, टैलेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इंटेंट, मतलब फोकस। और साथ में तो भाई साहब अभी फंडिंग भी ऐड हो गया, पैसा भी आ गया अच्छा खासा। 4 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ कंपनी हैविंग ओनली 2 होटल्स एंड 10 रूम्स। बोलो हाँ है ना? रितेश अग्रवाल ने पता है स्टार्टिंग में जितना फंडिंग आया, मैक्सिमम स्टार्टअप्स क्या गलती करते पता है? जैसे ही फंडिंग आ जाता है ना, खुद की सैलरी ड्रॉडाउन करना शुरू कर देते। जो भी फाउंडर रहता है ना, वो बोलता है अरे फंडिंग आ गया, निकालो 2 लाख रुपए पर महीना, 3 लाख रुपए पर महीना, 5 लाख रुपए पर महीना, 10 लाख रुपए पर महीना खुद की सैलरी, और वो तो पीएनएल में एज एक्सपेंस ट्रेड किया जाएगा, वो तो फंडिंग से आ रहा है। बोलो हाँ ना? मतलब दूसरा तुम्हें फंड कर रहा है बिजनेस चलाने के लिए और तुम उससे ले रहे हो सैलरी, क्या सेंस है इस बात की? मैं इसलिए 4 चीजें गिनवाया, टैलेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस। रितेश अग्रवाल का फोकस आ भाई, उसने बोला 4 करोड़ आए ना, मैं जेब में नहीं डालेगा मेरे, मेरे को सैलरी वैलरी वो मैं देखेगा, जब बनेगा तब देखेंगे। ही पुट एंटायर मनी इनटू द बिजनेस और इसलिए इन्वेस्टर खुश हो गए, इसलिए इन्वेस्टर खुश हो गए। ही मेड अ 2 होटल्स एंड 10 रूम्स इनटू मार्च 2014। 2013 में फंडिंग आया था, 2014 में हाल 11 होटल्स बनाए बंदे ने, 104 रूम्स तक के पहुंच गया। इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर मार्च 2015 क्लोजर 85 होटल्स विथ 1,500 रूम्स। इसको कहते हैं स्केलिंग ऑफ द बिजनेस विथ यूटिलाइजेशन ऑफ 100% ऑफ फंड्स। इसे मैं धंधा करना बोलता हूं, दिस इज हाउ यू शुड डू द बिजनेस। कोई अगर आपको पैसा दे ना, उसको खुद के जेब में मत डालो, उसको खुद के ड्रीम में डालो, उसको खुद के पैशन में डालो। और ये बंदे ने वही किया। हो सकता है गरीबी में रहा होगा, हो सकता है एक रूम में रहा होगा, हो सकता है रेंट पे रूम लिया होगा, हो सकता है लग्जरी खाना नहीं खाया होगा 5-स्टार होटल का, एंड दैट शोज कि उसका बिजनेस कैसा स्केलेबल हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 होटल और 10 रूम पे बंदे को लोग 4 करोड़ देने के लिए रेडी हो गए भाई। 85 होटल्स एंड 1,500 रूम के साथ ये क्या गदर मचाएगा? अभी तक के लाइट स्पीड और डीएसजी ये इन्वेस्टर थे जो थोड़ा रिस्क ले सकते थे, अब वो इन्वेस्टर्स के भी आंखें खुल गई जिन्होंने अभी तक ओयो को इग्नोर किया था और जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था प्राइमरी फंडिंग का। आप सोचो ना, लाइट स्पीड, मैं आपको पीछे का मेंटालिटी बोल रहा हूं, लाइट स्पीड और डीएसजी जब ओयो में आया होगा तो रितेश अग्रवाल ने क्या सिर्फ लाइट स्पीड और डीएसजी के हाथ पैर जोड़े होंगे? इसलिए कम से कम 10 से 12 इन्वेस्टर के हाथ जोड़े होंगे।
उसमें से सिर्फ दो टर्नआउट हुए, और वो दो टर्नआउट जो हुए उनका पैसा विद इन 2 ईयर्स ट्रिपल, 4 टाइम्स हो गया, 4-5 टाइम्स। अब जी जो 8 बचे हुए इन्वेस्टर है जिन्होंने इसको फंडिंग नहीं किया, वो पछता रहे होंगे कि यार कर देना चाहिए था, थोड़ा भी सही कर तो देना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। अब वो उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? हिसाब देखिए ओयो का, 2015 मार्च का बैलेंस शीट निकला एंड देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ओयो के ऊपर कूद पड़ा, जिसने अपॉर्चुनिटी 2013 में मिस कर दिया था, सॉफ्ट बैंक, जैपनीज इन्वेस्टमेंट फर्म है। मैं इसलिए कहता हूं शार्क टैंक पीनट्स है, आप सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स अगर देख लोगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये 500-700 मिलियन एवी दे देता है डॉलर्स, ठीक है, अगर इसको बिजनेस पसंद आया स्केलेबल, 500-700 मिलियन ले जा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हो इतना इन्वेस्ट नहीं किया पर सॉफ्ट बैंक का ओयो के साथ जुड़ना, भाई साहब मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा एंजल इन्वेस्टर इसमें गिना जाता है, तगड़े लोगों में गिना जाता है, और ओयो के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट डाला, और ये इन्होंने डेट के फॉर्म में डाला, बिकॉज सॉफ्ट बैंक थोड़ा रिस्क एवर्स है। कैसा है बोले एक बार? रिस्क एवर्स, कम रिस्क उठाता है, दैट्स व्हाई कुछ इक्विटी पोर्शन डाला और कुछ डेट के फॉर्म में डाला, डिबेंचर डिपॉजिट्स के फॉर्म में, सो दैट कभी अगर कुछ मिस हो जाए तो डिबेंचर डिपॉजिट्स पहले रिपे हो जाए। जब वाइंडिंग अप होता है तो सबसे पहले इक्विटी पे होता है या डिबेंचर डिपॉजिट्स पे होता है, क्रेडिटर पे होता है। तो सॉफ्ट बैंक टुक अ चांस, थोड़ा इक्विटी बचा हुआ डिबेंचर, टोटल फंडिंग मारा 730 करोड़ रुपीज का, 120 मिलियन डॉलर एट द रेट ऑफ 61 रुपीज पर डॉलर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जो आप सोचिए कहां 4 करोड़ का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट 2 साल पहले और कहां 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली 2 साल के अंदर, वैल्यूएशन गेम समझ रहे हो कहां से कहां तक पहुंच चुका है? इज इट वेरी क्लियर? तो इन्होंने पैसा डाला है, सॉफ्ट बैंक ने पैसा डाला है, डालना। अरे क्या कर रहे हो, सॉफ्ट बैंक पैसा डाल रहे, तुम कुछ डाल ही नहीं रहे हो, कम ऑन बकअप, रेडी? हाँ, डाला। कितना डाला? 730 करोड़। एक बार वापस से सभी एक्शंस, सभी, हाँ सभी, आर यू गाइस रेडी? सबसे पहला बनाना, कितने साल लग गए? 3। बुलाया कितने लोगों को? 2। और रितेश अग्रवाल तीसरा। इन्होंने लगाया कितना? 4.3 करोड़, बराबर है? बोलो हाँ या ना। उसके बाद में सॉफ्ट बैंक का ही बिजनेस स्केलेबल देख के सॉफ्ट बैंक ने पैसा डाला, एक्चुअली अभी तक पैसा लगाया जा रहा था सिर्फ, पर पहली बार पैसा सिर्फ डाला जा रहा है। पुट इट, जस्ट शेयर में पैसा डालते रहो, आप देखना बिजनेस जब शुरू होता है आप बोलते हो कैपिटल लगाओ, पर जब आप शेयर खरीदते हो आप बोलते हो शेयर मार्केट में पैसा डालो। अभी बिजनेस चल, क्यों डिफरेंस क्यों है वर्डिंग में? लगाना इज यू आर टेकिंग अ रिस्क, कि लगाया तो लग भी सकती है, पर जब बिजनेस चलना शुरू होता है तो आप पैसा लगाते नहीं हो, आप पैसा सिर्फ डालते हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ मूविंग व्हीकल एंड यू आर जस्ट पुटिंग योर फंड्स, आगे जाके मूव हो जाएगा, रिटर्न दे देगा, दैट्स व्हाई डालना। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? एक बार वापस से, क्या है सबसे पहले? बनाना। सब जन एक्शन करेंगे, मैडम एक्शन। ऐसे नहीं चलता मेरे क्लास में, ऐसे शांत वन बैठने का नहीं, तुम अभी 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओगे, 5 मिनट 10 मिनट जाने, ये होगा, ये कंफर्म होगा। लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी कभी जिंदगी में याद करोगे ना तो वो रहेगी जिस दिन तुम सबसे ज्यादा एक्टिव थे, इज इट? तो क्या मेमोरी की वजह से तुम एक्टिव थे या एक्टिव थे इसलिए मेमोरी बनी? सिंपल है, समझो, बी एक्टिव। इसके बाद भी बहुत दिनों तक एक्टिव रहना है तो अलग अलग मेमोरीज बनती जाएगी, समझ में आ रहा है? अच्छा सोचो, सबसे पहला क्या बोलना है? बोले एक बार, बनाना। कितने साल लग गए? 3। बुलाया कितने? 2। रितेश अग्रवाल 3। लगाया कितना? 4.3 करोड़। गाड़ी चल पड़ी, अब क्या करना है? सिर्फ डालना है। कितना डाला? 730 करोड़। किसने डाला? सॉफ्ट बैंक एंड लाइट स्पीड। आप देखो मतलब लाइट स्पीड तो वारे नारे हो गए, उसने पहले फंडिंग में भी राउंड 1 में भी इन्वेस्ट किया था, भाई राउंड 2 में भी आ गया, बोले मैं नहीं छोड़ेगा, मेरा पहला ही पैसा ट्रिपल चौबल हो गया, बोले ये तो अब मैं इसको फाड़ के रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब इन्वेस्टर, अच्छा ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट बैंक अकेला था, आप सोचो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ने टच कर दिया, छोटे मोटे इन्वेस्टर भी आएंगे नहीं आएंगे? जितनों ने, मैं क्या कहा था आपको, पहले
दस लोगों को जब अप्रोच किया था तो दो ने इन्वेस्ट किया था, राइट? बोलो हाँ या ना। सब आएंगे वापस, बोलो सब आएंगे वापस। देखिए 2018 में ओयो के अंदर कितने इन्वेस्टर्स थे, लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक, ग्रैब, सिकोई, डीएसजी, पीकेन, लास्ट वाला रितेश खुद। हालांकि रितेश ने कितना पैसा लगाया है, पर कितने फंडिंग वालों के साथ खड़ा है, 730 करोड़ वाले के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सात लोगों ने मिलके कंपनी को चार्ज किया है साथ में, सात लोगों के, बोलो हाँ है ना, सात लोगों ने मिलके कंपनी को चार्ज किया है साथ में। क्लियर है? एक बार वापस से, क्या है पहला? बनाना, कितने साल लग गए? तीन। बुलाया, दो इन्वेस्टर रितेश अग्रवाल, तीसरा लगाया 4.3 करोड़, बोलो हाँ या ना। डाला कितना? 730 करोड़। किसने डाला? सॉफ्ट बैंक। सात अलग अलग इन्वेस्टर आके कंपनी को चार्ज किया साथ में, ठीक है? सात, कितने इन्वेस्टर? सात, चार्ज किया साथ में। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो हाँ या ना। पर एक तकलीफ था बहुत बड़ा। क्या तकलीफ हो सकता है? नहीं, कोविड तो अभी आने का बाकी है, उसके पहले भी दुनिया थी। कोविड कब आया? मार्च 2019। ये तो 2018 का मार्च का बैलेंस शीट चल रहा है, एक साल अभी भी बाकी है। ये एक साल में ना ओयो के साथ उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा चीज हुआ, द एट्थ इन्वेस्टर। कौन? एट्थ इन्वेस्टर। ओयो कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है गाइस? होटल इंडस्ट्री। इसका एक और नाम है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। होटल चेन्स को हॉस्पिटलिटी कहते हैं ना। हॉस्पिटलिटी मतलब टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि किसी को भी रिसीव करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल। ओयो अभी तक के सिर्फ रूम्स था, अभी ओयो को होटल बनना था, और होटल बनना है तो हॉस्पिटलिटी की जरूरत है, और हॉस्पिटलिटी के एक्सपीरियंस की जरूरत है। ओयो के पास अभी टैलेंट भी है, डेडिकेशन भी है, डिसिप्लिन भी है, फोकस भी है, फंडिंग भी है, पर एक चीज नहीं है, एक्सपीरियंस, कि होटल कैसे चलाते हैं, इसका एक्सपीरियंस नहीं। अभी तक जो बिजनेस करा था ना, वो हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को 2,000 रुपए पर डे, 3,000 रुपए पर डे, ऐसे वाले लोगों को टैप कर सकता था। पर अगर तुम्हें ल्यूक्रेटिव एरियाज में खेलना है, कि 10,000 रुपए पर डे रूम बुकिंग, 15,000 रुपए पर डे रूम बुकिंग, जेडब्ल्यू मैरियट, कोर्टयार्ड मैरियट, ताज, ब्लू डायमंड, इनके जैसे बुकिंग मारने हैं, ओयो टाउन हाउस खोलना है, तो आपको हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस लगेगा। मास्टर स्ट्रोक देखिए बंदे का। अब इस बंदे को फंडिंग के लिए कोई मना करेगा? कह रहे तो ये किसी के भी पास जा सकता था। अरे बोलो हाँ या ना। ये किसी के भी पास जा सकता था। ये गया किसके पास पता है रितेश? ही गॉन टू वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन्वेस्टर, द ARA रियलिटी हॉस्पिटल सॉल्यूशंस। ARA हॉस्पिटलिटी सॉल्यूशंस ये दुनिया के 5-स्टार इंडस्ट्रीज के जितने भी होटल है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करता है, और उनको कंसल्टिंग भी करता है कि तुमने इंडस्ट्री कैसे मेंटेन करना चाहिए। दे हैव प्रॉपर रिसर्च वर्क अबाउट द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 300 ईयर्स, कि जब होटल नाम का किस्सा एग्जिस्ट भी नहीं करता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना रिसर्च किया है। कंपनी बहुत पुराना है, 200-300 साल पुराना, ऐसा नहीं है, बट दे हैड अ रिसर्च, ह्यूमन ट्रेंड, ह्यूमन इमोशन कौन से डायरेक्शंस में जाते हैं, दे हैड अ रिसर्च अबाउट द सेम। ARA हॉस्पिटलिटी आप सर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर, दिस इज द एट इन्वेस्टर। फंडिंग देने वालों की कमी नहीं थी, पर अब वो बंदा चाहिए था जिसके पास हॉस्पिटलिटी का इंटरेस्ट है, जिसको हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस है, और रितेश अग्रवाल को मिल गया। ही इज द एट इन्वेस्टर। Luckily, he bought $800 million with it. $120 million से 3 साल के अंदर $800 million एक इंडस्ट्री वाला पर्सन लेके आ रहा है, जो खुद हॉस्पिटलिटी का धुरंधर है। सो यहां पे मैनेज करने के लिए, ये सिर्फ पैसा देने के लिए, पैसा तो कोई भी दे सकता था, अरे बोलो ना हाँ या ना। यहां पे सिर्फ मैनेज करने के लिए एक बंदा आ रहा है, एक फर्म आ रही है जिसने मैनेज करने के लिए एट इन्वेस्टर $800 million लाए। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो, एक बार सभी एक्शन, चलो जागो आ जाओ। सबसे पहले क्या है? बनाना, कितने साल लग गए? तीन। बुलाना, दो, तीन। क्लियर है? यस और नो? लगाया कितना? 4.3 करोड़। इज इट वेरी क्लियर? फिर डाला सॉफ्ट बैंक ने कितना? 730 करोड़। चार्ज किया सात इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए कौन आया? ARA हॉस्पिटलिटी, एट इन्वेस्टर, बोलो सब जन,
8th investor with how many million dollars? $800 million. 8th investor with $800 million. And bhai sahab, bas Oyo duniya mein blast kar diya. In 2019, Oyo become the third largest hotel chain in the world, taking over the Blue Diamonds, the Indian hotel industry. Iske upar sirf kuch hi hotel industries baki the, Marriott wagera level ke jo 5-star industry tha. Oyo is the third largest with 43,000 hotels, 50,000 vacation homes, and 4,58,000 rooms. दो होटल और 10 रूम क्या कमाल कर सकते हैं ये बराबर 9 साल बाद. 3000 डेज बोला था मैंने आपको. लेजेंड. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार यस और नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? द थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन. पर ब्लास्ट ओयो ने किया था. दुनिया का ब्लास्ट अभी बाकी है. 2019 मार्च आ चुका है और फिर टीवी पे आए मित्रों. आज रात 12 बजे से देश में COVID-19 के तौर पे लॉकडाउन घोषित किया जाता है. कल शाम से हर रोज आपने घर के गैलरी में आके तालियां बजानी है. लोगों ने तालियां छोड़ के सब बजाया. लोग गरबा खेल रहे थे भाई. तालियां बजाने को बोला तो द वर्स्ट इज एक बंदे ने घर का डिश एंटीना तोड़ के लाया उसको बजा रहा था. कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड? अब आप सोचिए कोविड लॉकडाउन आ गया 1.5-2 साल तक होटल की बुकिंग ही नहीं है भाई. और ओयो ने तो भाई साहब रेस करके रखा है 1230 करोड़. कितना? 1230 करोड़ का कैपिटल. बड़े बड़े तगड़े इन्वेस्टर है इसके अंदर. बड़े बड़े तगड़े इन्वेस्टर. इंडस्ट्री ऊपर गई थोड़ी नीचे भी आ रही है. 1230 करोड़ बंदे ने इन्वेस्ट किया है. कम से कम 10% रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेंगे. रितेश अग्रवाल को पैसा बांटना था डिविडेंड के तौर पे. क्या करना था? बांटो 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 जरा बांटो. खुले हाथ से, खुले हाथ से. इस कंजूसी में क्या बांटो? रितेश अग्रवाल 10% भी बांटना चाहे तो डिविडेंड कितना बांटना चाहिए था? 1,230 करोड़. बोलो हाँ या ना? पर रितेश अग्रवाल जी बांट नहीं पाए क्योंकि कोविड था. रीजन बीइंग 2020 के जो अकाउंट्स क्लोज किए मार्च के, दे रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ 12,800 करोड़. 12,800 करोड़ का नेट लॉस अकाउंट क्लोज करने पे हुआ. बैलेंस शीट पीएनएल करो. कैसी जिंदगी है तुम्हारी यार? मैं कभी इधर क्या? मैं वापस से एक बार बैलेंस शीट पीएनएल क्लोज. लॉस कितना बुक किया था? 12,800 करोड़. क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोशिश की थी 1,230 करोड़ का. मिनिमम 10% रिटर्न चाहेंगे. बोलो हाँ है ना? पर बांट पाए क्या? नहीं. ऑडिटेड बैलेंस शीट शोड दैट. देख रिकॉर्डेड. ये ओयो का जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस था. उसके बाद में ओयो ने कभी लॉस नहीं किया क्योंकि देश में प्रोडक्टिव लोगों की कमी नहीं है. सो ओयो रिपोर्टेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉस, सबसे बुरा लॉस. -139% रिटर्न ऑन इक्विटी. -139% रिटर्न ऑन इक्विटी जो चेक करने के बाद आया हुआ लॉस है. ये कौन करता है चेक? तुमने टिकी गलत मारी. तुमने ऐसी टिक मारी होगी. उल्टी मारना है. उल्टी. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ऑडिटर की टिक मालूम है ना सबको? यस और नो? सो उल्टी. तो चेक करने के बाद लॉस कितना आया बोलो एक बार? -139%. एक बार सभी एक्शन कर ले. बोलो हाँ ना? जोर से बोलो एक बार यस और नो? सबसे पहले क्या है? बनाना. सब्जन एक्शन करेंगे. सब्जन एक्शन करेंगे. रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? बनाना. कितने साल लग गए? 3. बुलाया 2 इन्वेस्टर. कौन कौन से इन्वेस्टर थे? लाइट स्पीड, डीएसजी, रितेश अग्रवाल. तीसरा लगाया. कितना करोड़ लगाया? 4.3 करोड़. बिजनेस बढ़ गया तो लोग डालने के लिए आ गए. कौन आया था डालने के लिए? लाइट स्पीड एंड सॉफ्ट बैंक. कितना डाला? 730 करोड़ रुपीज. कितने इन्वेस्टर हो गए? 7 इन्वेस्टर. साथ में मिलके क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं.
पर अब हॉस्पिटलिटी की मैनेज करने की जरूरत थी, क्या करने की जरूरत थी, मैनेज। तो कौन से नंबर का इन्वेस्टर आया, एट, कितने पैसे लेके आया, $800 million। इज इट क्लियर, बोलो आया ना। लास्ट ये वाला लाइन, कोविड लग गया, ओयो थर्ड नंबर दुनिया का इंडस्ट्री बन गया, पर डिविडेंड बांट पा रहा था क्या, क्यों नहीं बांट पा रहा, कितना डिविडेंड बांटना था, 1,230 crores, क्योंकि कैपिटल कितना था, नियरली 12,300 crore का कैपिटल था, बोलो आया ना। पर ऐसे सिचुएशन में लॉस रिकॉर्ड किया गया अकाउंट क्लोजर पे, एक बार सब जन बोलो अकाउंट क्लोजर पे, कितना लॉस रिकॉर्ड किया गया, 12,800 crore। और सबसे आखिरी, चेक करने के बाद, क्या करने के बाद, चेक करने के बाद कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया, -139%। समझ में आ रहा है, वापस से एक बार ठीक है सर, ये केस स्टडी का मतलब तुम अंदर डाल के मानोगे आज हमारे, बिल्कुल ऐसे रगो रगो में दौड़नी चाहिए। इसके बाद सबने होमवर्क में ओयो मतलब लेट्स गो। सबसे पहले क्या है बोले एक बार, बनाना, कितने साल लग गए, 3। बुलाया कितने इन्वेस्टर को, 2, और तीसरा, ठीक है, उधर ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा पिलर के पीछे, बेटा एक्शन प्लीज, प्लीज भाई प्लीज, स्माइल बहुत अच्छा है तेरा पर, प्लीज एक्शन, ठीक है लेट्स गो। सबसे पहले क्या है, बनाना, कितने, 3 साल। दूसरा, बुलाना 2 इन्वेस्टर, कौन कौन, मेरे को नाम भी चाहिए, लाइट स्पीड, DSG, और तीसरा रितेश अग्रवाल, तीनों ने मिलकर लगाया कितना, 4.3 crore, बोलो हाँ या ना। फिर व्हीकल चलने लग गई, डालने के लिए आ गए, कितने लोग, 2, वापस से लाइट स्पीड एंड सॉफ्ट, कितना डाला, 730 crore। उसके बाद में 7 इन्वेस्टर, कितने इन्वेस्टर, 7 चार्ज कर रहे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर मैनेज करने के लिए क्या चाहिए था, 8वां इन्वेस्टर, कितने लेके आया, $800 million, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बना, और कोविड आ गया भाई, कैपिटल 12,300 crore का, जिसके ऊपर बांटना था 1,230 crore, पर बांट पाया क्या, नहीं, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज किए विद द लॉस ऑफ 12,800 crore। चेक किया हुआ रेवेन्यू आया -139%, बोलो हाँ है ना। पर कोविड तो 2 साल था, और बंदा तो हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि टैलेंट था, डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था, फोकस अटेंशन था, फंडिंग भी था, अब बस समय बुरा था। पर बुरे समय की भी अच्छी बात होती है कि वो ढल जाता है, बोलो हाँ है ना। समय ढल गया, रितेश अग्रवाल ओयो अगेन स्टार्टेड स्टैंडिंग अप, और इस बार बंदे ने सोचा कि हम कुछ ही नहीं छोड़ेंगे। ही एक्सपांडेड हिज बिजनेस ऑपरेशन आफ्टर कोविड इन द फॉर्म ऑफ LLP, इन द फॉर्म ऑफ LLC, और कितने कंट्रीज में घुस गया, 81 कंट्रीज, जोर से बोलो कितने कंट्रीज में, 81। मतलब जब लोग कोविड में लॉकडाउन का शौक मना रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये बंदे ने सोच लिया कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, पर मैं एक्सपांशन जरूर कर सकता हूं, क्योंकि कोविड कभी ना कभी उठेगा। तो उसने उतना एनर्जी जितना लगना, मतलब आप सोचो कि ये बंदा शांत बैठा ही नहीं है, इसने क्या बोला, कोविड में बिजनेस नहीं कर सकते क्या, अच्छा मुझे मैनेजमेंट का कोई काम नहीं क्या, ओके मैं कंट्रीज में एक्सपांशन शुरू कर देता हूं, सो दैट जब कोविड खुले, इसने ऑलरेडी परसेप्ट कर लिया था। आपको पता है कोविड के बाद में सबसे ज्यादा बूम के ऊपर 2 इंडस्ट्रीज आई, 3 इंडस्ट्री बेसिकली, सबसे ज्यादा बूम पे सबसे पहली इंडस्ट्री आई थी टूरिज्म, क्योंकि जितने लोग घर में बैठे थे वो परेशान हो गए थे, बोलो हाँ या ना। और सबने सेविंग इतना कर लिया था क्योंकि किधर खर्च नहीं कर सकते थे, अब सेविंग भी है और घर पे बैठ के परेशान भी है, तो क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, अरे बोलो हाँ या ना। तो इसको मालूम था जैसे ही कोविड उठेगा ना, सब बाहर भागने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्री टूरिज्म चलने वाली थी, सेकेंड इंडस्ट्री कार मोटर बाइक्स, ये चलने वाली थी, बिकॉज घूमने फिरने के लिए कार और मोटरबाइक की बहुत जरूरत है। थर्ड इंडस्ट्री रियल इस्टेट, जितने लोग कंजर्वेटिव है, जितना पैसा बचाया उन्होंने रियल इस्टेट के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो जितने सेविंग हुए थे वो सब के सब 3 अलग अलग इंडस्ट्री में जा रहे थे, सबसे पहला कौन सा टूरिज्म, दूसरा कौन सा कार मोटरबाइक्स, और तीसरा कौन सा रियल इस्टेट। रितेश अग्रवाल ने भाप लिया कि कोविड के बाद में अगर कोई इंडस्ट्री बूम मारेगी तो वो एक ही है, कौन सी वाली, टूरिज्म। तो ये बंदे ने पूरा फोकस सेल्स पे लगाया क्या, नहीं, बंदे ने पूरा फोकस कहां पे लगा दिया, एक्सपांशन, LLP LLC के फॉर्म में कितने कंट्रीज में एक्सपांशन किया, 81 कंट्रीज। कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा जो डेवलपिंग या डेवलप नेशन या काइंड ऑफ डेवलपिंग नेशन में आता है और जहां ओयो का कोई रूम या स्टोर नहीं है। इसका फायदा यह हुआ कि जैसे ही कोविड खुला
और लोगों ने टूरिज्म शुरू किया, ओयो रिकॉर्डेड नेट रेवेन्यू ऑफ $490 मिलियन, दैट इज 3,642 करोड़ इन फर्स्ट 3 months और क्वार्टर आफ्टर द कोविड लॉकडाउन. जितने भी इन्वेस्टर थे उनकी आंखों में डॉलर चमक गए. कार्टून देखे है बचपन में टांग एंड ही प्रूव्ड दिस कि ये हो सकता है. $49 मिलियन का ये $490 मिलियन का ये सिर्फ फॉरेन रेवेन्यू है बेटा. मैंने इसके अंदर इंडिया का कोई भी रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं किया है. 81 कंट्रीज में इंडिया छोड़ दो तो 80 कंट्रीज के एक्सपेंशन का $490 मिल रहा है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? अल्टीमेटली सीजी के अप्रूवल्स उठाए बंदे ने, आरबीआई के अप्रूवल्स उठाए तगड़े फॉर्म में, और खुद के बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड और ज्यादा स्केल करने की कोशिश की. आज के डेट में ओयो इज अगेन द थर्ड लार्जेस्ट. ऑब्वियसली पहले 5-स्टार होटल चेन को रेवेन्यू टर्म्स में वो ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि उनके टैरिफ पैकेजेस ही ज्यादा है, पर नंबर ऑफ रूम्स सोल्ड पर नाइट पर ईयर के हिसाब से ओयो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले एक बार ये सुनो. मुंडी मुंडी सेट को स्ट्रेट बैठो, वापस बोलो मेरे को सब, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? बोलो. बनाना कितने साल लग गए? 3. बुलाना 2 इन्वेस्टर, तीसरा रितेश अग्रवाल. लगाना 4.3 करोड़. 2 इन्वेस्टर का नाम क्या था? लाइट स्पीड डीएसजी. व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा बेटा, एक्शन. व्हाइट शर्ट वाला, हाँ, एक्शन एक्शन. ठीक है, तू आधे नशे में गया था, अभी वापस आ. ठीक है, ओयो के बारे में सोच. हाँ, लेट्स गो. सो बनाना कितना? 3. बुलाना 2-3. कौन कौन? लाइट स्पीड डीएसजी, रितेश अग्रवाल. लगाना 4.3 करोड़. गाड़ी चलने लग गई. डाला किसने? लाइट स्पीड सॉफ्ट बैंक. कितना? 730 करोड़. 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके, 7 में मिलके चार्ज किया. 8वां इन्वेस्टर काय के लिए आया? मैनेज करने के लिए. कितने मिलियन डॉलर्स लेके आया? $800 मिलियन. थर्ड इंडस्ट्री बना दुनिया का लार्जेस्ट. पर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आ गया. डिविडेंड बांटना था. कितना? 1,230 करोड़. बांट पाया क्या? अकाउंट क्लोज किए विद द लॉस ऑफ 12,800 करोड़. चेक किया तो रेवेन्यू माइनस 139%. बोलो हाँ या ना? फिर भी हार माना क्या? नहीं. बोले सेल नहीं ठुकूंगा तो क्या करूंगा? एक्सपांशन करूंगा. कितने कंट्रीज में एलएलपी एलएलसी बनाए? 81 कंट्रीज. और फिर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नेक्स्ट ईयर कितना दिखा? $490 मिलियन विद सीजी एंड आरबीआई अप्रूवल्स. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर. नो, अरे जोर से. एक काम करो, आंखें बंद करो और पूरे टाइमलाइन को आंखों के सामने लाओ. एक्शन करते रहना आंखें बंद करके. देखने वाला अकेला मैं ही हूं, सो टेंशन मत लेना. पर मेरे को सब एक्शन करते हुए दिखने चाहिए और आंखें बंद करके एक्शन करने वाले चाहिए. ठीक है, गो फॉर इट. फास्ट बंद, आंखें बंद. हाँ, आंखें खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, बट यू शुड बी इन्वॉल्व 100%. ये 2 मिनट अगर जो काम कर लेगा जैसा मैं बोल रहा हूं, ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू नेवर नो आगे क्या आएगा. ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड जस्ट डू इट. गो फॉर इट, शुरू हो जाओ.
डन। कितने लोगों को याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है? सीरियसली पक्का? एक और काम करो, और दो मिनट देता हूं, साइड वाले को सारे एक्शन करके दिखाओ ना। ना एक 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 सिंपल बात समझना, ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? जस्ट ट्रस्ट मी। एनीवेज अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? सो जस्ट ट्रस्ट मी। और तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि साइड वाले को तुमने ये पूरा स्टोरी याद करके देना है विद द डिजिट्स, नंबर्स एंड इन्वेस्टर्स, ओके? मैं किसी को भी स्पेसिफिकली पूछूंगा, अगर नहीं आया तो मैं बाजू वाले को खड़ा करूंगा। सिंपल फंडा है, दूसरे का भला कर, खुद का अपने आप हो जाएगा। शुरू हो जाओ। जिसके आजू बाजू में कोई नहीं है, हैव योर इमेजिनरी क्रश बाय साइड ऑफ यू एंड प्लीज टीच हिम और हर। और जो लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं, तुम तकिए, गद्दर, गद्दी, चद्दर सबको पढ़ाओ। पूरा दम लगा देना, पूरा जितना दम है सब लगाने का। साइड वाले को पूरा याद आना चाहिए आपके यहां। अगर तुमने उसको याद करवाया तो उसकी जिम्मेदारी निभाने को बोलो। चलो, हो गया सबका? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो?
चलो सो पूरा ध्यान मेरे तरफ, सब एक्शन चाहिए मेरे को, रेडी? सबके एक्शन चाहिए मेरे को. ओके, आई गेस इट इज इन टू यू, राइट? अरे शो शो मी, रेडी? सबसे पहला बनाना, कितने साल लग गए? 3. बुलाया कितने लोगों को? 2. नाम बोलो. लाइट स्पीड DSG. तीसरा रितेश अग्रवाल. लगाया 4.3 करोड़. गाड़ी चलने लग गई, डाल दिया. बोलो हाँ या ना. कितना करोड़ डाला? 730 करोड़. किस किस ने? लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक. फिर कितने इन्वेस्टर आए? 7 इन्वेस्टर ने, 7 में मिलके 4 मैनेज करने के लिए 8th इन्वेस्टर विथ $800 मिलियन. बराबर है. थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्या लग गया? कोविड. क्या हो गया? लॉस. क्या बांटना था? डिविड. कितना? 1230 करोड़. बांट पाया क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंट क्लोज किए विद द लॉस ऑफ 12,800 करोड़. क्योंकि रेवेन्यू चेक किया तो आया -139%. चलो सेल नहीं ठोका पर एक्सपांशन किया क्या? हाँ. कितने कंट्रीज में? 81 कंट्री. कौन से फॉर्म में? LLP LLC. और फिर वहां से फॉरेन रेवेन्यू कितना आया? फॉरेन रेवेन्यू एक्सचेंज कितना आया? $490 मिलियन. बराबर है. बोलो हाँ या ना. चलो केस स्टडी याद हो गया? सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना, सिर्फ, ठीक है? सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना, सब छोड़ देना. पानी वानी भी नहीं पीना है, जिंदगी भी नहीं जीना है, सांस भी रोक सकते हो तो रोक लो, ठीक है? जस्ट फोकस. कंपनी लॉ में 11 चैप्टर से, उसमें से 9 बेसिक चैप्टर है जो 3 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं. सबसे पहला पार्ट है बनाना, जिसके अंदर 3 सब पार्ट आते हैं. बनाना, बुलाना, लगाना. बनाना मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. दिख नहीं रहा? अच्छा, सो सॉरी. बनाना मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. वापस दिखाता हूं. कंपनी लॉ में कितने पार्ट आते हैं बोले एक बार? 3. सो पहला बनाना, दूसरा चलाना, और तीसरा बाद में आएगा. विल सी दैट. बनाना में 3 पार्ट्स आते हैं. पहला बनाना, दैट इज फॉर्मेशन, एंड क्या बोले एक बार? जो से इनकॉर्पोरेशन. दूसरा बुलाना. बुलाया मतलब इनवाइट किया. इनवाइट करने के लिए इनविटेशन टू ऑफर मतलब प्रोस्पेक्टस. बोलो हाँ या ना. तीसरा लगाया. क्या लगाया? कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. बोलो यस और नो. बनाना का नंबर क्या याद रखा था? थोड़ा सा इधर उधर अल्टर करे तो चलेगा, थोड़ा सा लिटिल लिटिल मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है? कितने साल में बनाया था? सो 3 साल में बनाया. बुलाया कितने लोगों को था? 2 लोग, रितेश अग्रवाल. तीसरा लगाया कितना था? 4.3 करोड़. बोलो हाँ या ना. फिर चलाया. चलाने के अंदर कैपिटल डाला सॉफ्ट बैंक ने. कितना? 73 करोड़. मतलब डिपॉजिट डाला. बोलो हाँ या ना. फिर चार्ज किया, मतलब कंपनी को चार्ज किया. कितने लोगों ने? 7 लोगों ने. 7 में मिलके असेट्स को चार्ज किया. 7 लोगों ने, 7 में मिलके. बोलो हाँ या ना. फिर मैनेज करने के लिए 8वां इन्वेस्टर आया. 8 इन्वेस्टर आया मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. कितने मिलियन डॉलर लेके आया? $8 मिलियन. बोलो हाँ या ना. फिर उसके बाद में हमने, कोविड लग गया, डिविडेंड बांटना चाहा. क्या बांट पाए हम? कितना बांटना था हमें भाई साहब डिविडेंड? 1230 करोड़. पर बांट नहीं पाए क्योंकि अकाउंट क्लोज करना पड़ा विद द लॉस ऑफ. अकाउंट क्लोजर था? बोलो हाँ या ना. सो अकाउंट क्लोजर था. आई कैन राइट अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. बोलो यस और नो. सो कितने लॉस के साथ क्लोज किया? 128. और फिर एंड में हमने चेक किया तो रेवेन्यू निकला, मतलब ऑडिट किया, चेक किया, मतलब रेवेन्यू निकला 139%. बोलो हाँ या ना. मैंने डिजिट्स लिख दिए, ये डिजिट सबको याद है. एंड के डिजिट ऐड करूं क्या? 23 यहां पे है तो मैं यहां 22 लिख सकता हूं. थोड़ा सोचिए, यहां 43 है तो मैं यहां 42 लिख सकता हूं. यहां 73 है तो मैं यहां 72 लिख सकता हूं. यहां 77 है तो यहां 76 लिख सकता हूं. बोलो हाँ या ना. 88 है तो क्या मैं यहां 87 लिख सकता हूं? यहां 123 है तो क्या 122 लिख सकता हूं? यहां 128 है तो क्या 127 लिख सकता हूं? वहां 139 है तो क्या 138 लिख सकता हूं? तुम्हारे कंपनीज एक्ट का लास्ट सेक्शन कौन सा है? मैंने ओयो स्टोरी नहीं, मैंने आपको चैप्टर्स याद करवा दिए. पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ लॉ 1 और 2. दूसरा चैप्टर बनाना, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन 3 से लेकर 22. तीसरा बुलाना, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 23.
चौथा लगाना शेयर कैपिटल 43 से 72, पांचवा डालना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से 76 ए, चार्ज करना 77 से लेके 87, मैनेज करना आठवां इन्वेस्टर 800 मिलियन डॉलर 88 से 122, बांटना डिविडेंड सेक्शन 123 1230 करोड़, क्लोज करना 12,800 करोड़ के लॉस के साथ में 128, एंड चेक करना -139% रेवेन्यू, एक्सपेंशन किया एलएलपी एलएलसी के फॉर्म में एलएलपी के सेक्शन से 81 और रेवेन्यू आया था डॉलर में 49 फेमा $490 million. This is your syllabus of CA Inter Corporate and other laws. समझ में आया पक्का? जोर से बोलो हाँ या ना. ये क्या हो गया सर? ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था सिर्फ स्टार्टिंग से अटेंशन दो. आप सिर्फ अटेंशन दो, तुम्हारे अंदर क्या करना है मेरे को मालूम है. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना. थोड़ा डिफिकल्ट आपको सिर्फ क्या जाएगा पता है? चैप्टर का पूरा नाम याद करना. अब इतना तो करना पड़ेगा. ठीक है सर, अदर लॉ में और भी टॉपिक है. जीसीए सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें सेक्शन ही नहीं है. तो तुमको जितने याद करने वो यही है. और मैं आपको बोलू, आप इसको याद कर लिए ना, आई प्रोमिस यू दिस डे द वन हु विल रिमेंबर दिस, तुम्हारे अंदर में 148 सेक्शन घुसा के मानूंगा. ठीक है, और ये होगा, दैट इज फॉर श्योर. आपको सिर्फ रिवीजन में डेली 10 मिनट आने का है. क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार एक्शन कर ले अब बराबर. अब तो नहीं बोलोगे तो भी करूंगा. बोलो हाँ है ना. चलो, आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट बनाना. अच्छा, पहले एक होल्ड. मैंने 9 चैप्टर्स आपको याद करवाए. ठीक है, एलएलपी याद करवाया, फेमा याद करवाया, टोटल 11. बोलो हाँ है ना. इसमें बेसिक इंक्लूड नहीं है, बिकॉज बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, सेक्शन 1 और 2 है जिसमें डेफिनेशन है. इज इट? बोलो हाँ है ना. सेकंड चैप्टर से अपना काम शुरू होता है. ठीक है, सो बनाना कितने साल? 3 साल. सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22. अब थोड़ा सा लॉन्ग कट मारना है, शॉर्टकट बहुत हो गया. ठीक है, दूसरा बुलाना. कितने लोगों को बुलाया? 2, साथ में रितेश अग्रवाल 3, सेक्शन 23 से लेके 42 तक. तीसरा लगाना. क्या लगाया? कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. कितना लगाया? 43 छोड़ दो अभी, वो उसके फैक्ट हुए केस स्टडी के. केस स्टडी थोड़ी पूछने वाले हैं. ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट मैंने गलत बोला. हाँ, मैंने बनाने के लिए कोई फैक्ट नहीं बोला है. दोज वेर द फैक्ट, इट वॉज अ कोइंसिडेंस और द गॉड्स ग्रेस की सब मैच हो गया. कुछ केसेस में मैच करना पड़ा, रुपीस को डॉलर में, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ा, बट इट वर्क्ड. समझ में आ रहा है पक्का? हाँ या ना. आई डोंट नो दिस वाज मेड, ओयो का स्टोरी सिर्फ इसी पर्पज के लिए बनाया शायद. वो कहते हैं ना कि तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है. तो तुमने शायद फाउंडेशन में दिल से चाहा कि हमें सेक्शन याद हो जाए, तो पूरी कायनात ने आपकी मदद की है ओयो स्टोरी बनाने के लिए. समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना. आई एम जस्ट कैटलिस्ट. ठीक है, सो इस चीज को याद रखना. ठीक है, सो सबसे पहले क्या बनाना? सेक्शन नंबर 3 से लेके 22. बुलाना 23 से लेके 42. लगाना कितना? 43 से लेके 72, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. फिर डालना, क्या डालते हैं? डिपॉजिट 730 करोड़ सा 73 से लेके 76 तक. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. ए इसलिए लिखा है, अमेंडेड सेक्शन है, 76 याद रखो, ये बाद में याद हो जाएगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर 7 इन्वेस्टर ने मिलके, एक्शन एक्शन, 7 इन्वेस्टर ने मिलके, 7 में मिलके चार्ज किया, चार्जेस ऑन असेट. क्लियर है? 77 से लेके 87. फिर आया मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आठवां इन्वेस्टर कितने लेके आया? 800 मिलियन, 88 से लेके 122. और फिर क्या बांटना था? डिविडेंड. कितना? 1230 करोड़, सेक्शन नंबर 123 से लेके 127. और उसके बाद में अकाउंट क्या किया? क्लोज. सेक्शन नंबर 128, 12,800 करोड़ का लॉस. और चेक करने के बाद ऑडिट में रेवेन्यू कितना आया? -139%, लास्ट सेक्शन सिलेबस का 148. कितने कंट्रीज में एलएलपी एक्सपांड किया है? 81. और फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग कितना आया है? 490 मिलियन, दैट इज सेक्शन नंबर 49. इज इट क्लियर? पक्का क्लियर है? सबको समझ में आया?
आपको बोलूं, अगर सीए इंटर में लॉ पढ़ना सिर्फ फायदे का नहीं है, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना भी है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मार्क्स ओरल पे मिल रहे हैं या लिखने पे मिल रहे हैं, सो यू हैव टू राइट इट डाउन। इज इट क्लियर? दूसरी बात, 6 सब्जेक्ट है, 200 घंटा पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपको ज्ञान देने वाले हैं, तो ये चीज कभी ना कभी धुंधली सी हो जाएगी, तो धुंधली सी हो ना पाए, क्योंकि ये धुंधली हो गई तो सब्जेक्ट के ऊपर का ग्रिप चला गया। दिस गिव्स यू अ ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट। आप जाके कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा, वॉट एवर समवन सेज और नॉट, बट आई स्पेसिफिकली बिलीव तुम्हें सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो तुम्हें ये पूरा का पूरा रेंज याद चाहिए। इस वजह से ना तुम क्रॉस रेफरेंसेस बहुत स्ट्रांगली क्रिएट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्या। और अभी टास्क खत्म नहीं हुआ है, टास्क कब खत्म होगा आई विल टेल यू, जस्ट वेट। अभी आपको क्या करना है, पूरे एक्शंस के साथ में ओयो स्टोरी फॉर अ मोमेंट आप भूल गए, मेरे को चल जाएगा, ठीक है, दैट इज अ नॉलेज। नाउ नॉलेज गेन कर लिया, वो जब चाहे तब गूगल से रिट्राइव कर सकते हैं, पर एग्जाम में आप ये गूगल से रिट्राइव नहीं कर सकते, तो इसको मेमोरी में फीड करना जरूरी है। स्पेसिफिकली मैं दे रहा हूं 5 से 10 मिनट टू यू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरे को यह चैप्टर लिस्ट आज सिर्फ याद नहीं चाहिए, इसको आज हम बिना देखे लिखेंगे, ठीक है। यह अगर तुमने आज अचीव कर लिया तो उसके बाद में तुम्हारे साथ क्या ही करता हूं तुम देख लेना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? इट इज जस्ट अ थर्ड लेक्चर, आई एम गिविंग यू एंटायर सिलेबस इन द हैंड, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ब्रैकेट्स 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 ब्रैकेट्स। इज इट वेरी क्लियर? पूछो क्या तुम्हारे पढ़ने के तरीके ही गलत है सर? है, हम फाउंडेशन पास करके आए और हमारे पढ़ने के तरीके गलत है? एक किस्सा सुनोगे छोटा सा, ऐसे ही 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लाइफ लर्निंग चलेगा सबको? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी बोलो लास्ट बेंचेस यस और नो। ओके, मैं थोड़ा सा योगा मेडिटेशन और ओल्ड स्कूल टाइप पर्सन हूं, तो मैं महाभारत वगैरह ऐसी चीजें बहुत पढ़ा करता था बचपन से लेके अब तक, तो उसके अंदर मेरे को छोटे छोटे बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसमें से एक किस्सा मेरे को बहुत पसंद है, वो सुनाना चाहूंगा। मैंने कहीं ये सुना भी था बहुत अच्छे से। क्या होता है ना बच्चों, महाभारत का डे 5th या डे 7th होता है, भीष्म पितामह शैया पे होते हैं बाणों की, शायद भीष्म पितामह पता होंगे सबको, कौरवों के सबसे बड़े सरताज डिफेंडर। द्रोणाचार्य ऑलरेडी हथियार डाल चुके होते हैं अश्वत्थामा की न्यूज की वजह से, और फिर सेनापति आता है कर्ण। कर्ण जब उतरता है रणभूमि पे, हाहाकार, क्योंकि उसके ऐसा टैलेंट, उसके ऐसा शौर्य, उसके ऐसा धीरज, उसके जैसा शक्ति पूरे महाभारत में किसी के पास शायद नहीं होगा। कर्ण ने कुंती, जो पांडवों की माता थी, कर्ण की भी माता ही थी, और जब कुंती ने कर्ण को बोला कि तू मेरा बेटा है, तो कर्ण ने कुंती को एक वरदान दिया था, एक प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे 5 बेटों में से सिर्फ एक को ही मारूंगा, बाकी 4 को मैं छोड़ दूंगा। और कर्ण जिस दिन रणांगण में उतरा, पहले 2 घंटे नकुल सहदेव पार ऐसे बाजू में हिला डाला उनको, हेड़ बड़े। भीम आया, भीम को तो इतना धोया, इतना धोया, उसको एंड में टॉन्ट मार के गया कर्ण, जा बोले किसी भिक्षा स्थल पे जाओ और खाना खाते बैठ। और जब सामने युधिष्ठिर आया, धर्मराज करके सम्मान किया, इज्जत से हराया, साइड में छोड़ दिया। अर्जुन आया, अर्जुन के साथ घनिष्ठ युद्ध शुरू दोपहर के प्रहर में। अच्छा युद्ध शुरू था, अर्जुन बाण निकालता था, बाण मारता था, कर्ण का रथ ऐसे 5-7, मतलब इतना बड़ा शॉक वेव प्रोड्यूस होता था एक बाण से कि कर्ण का रथ 5-6 फीट दूर फेंका जाता था। कर्ण बाण मारता था, अर्जुन का रथ हार्डली 2-3 इंच से इधर उधर होता था। वापस अर्जुन बाण मारता था, कर्ण 5-6 फीट इधर उधर। और आपका पोजीशन युद्ध में चेंज करना 5-6 फीट से भी, ये उस वक्त बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, क्योंकि आपके एम, लोग, बीच में जितने लोग आने वाले, वो सबके हिसाब से वापस एम लेके मारना बहुत मुश्किल था। बट कर्ण वॉज स्टिल फाइटिंग। अर्जुन एक बाण मारता था, कर्ण 5-10 फीट हूं, कर्ण यहां से जोर से बाण मारता था, अर्जुन 5-6 इंच भी नहीं हिलता था।
अर्जुन खुश होने लग गया, अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ गई, बोले गया ये। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा, अर्जुन की तरफ। कृष्ण तो कृष्ण है, काना तो काना है भाई, काना ना छोड़े किसी को, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, बोले हंस रहा है, वो भी युद्ध भूमि पे हंस रहा है, वो भी उस आदमी के सामने हंस रहा है जिसका कवच कुंडल अगर आज उसके पास होता ना तो उसको युद्ध भी करने की जरूरत नहीं रहती थी। वो तो तुम्हारे पिता इंद्रदेव थे जिन्होंने इनका कवच कुंडल छीन लिया, इसलिए तुम जिंदा भी हो। बोलो हाँ या ना। तो कृष्ण को थोड़ा अजीब लगा, बोले ये गया, बोले इस टाइम पे ये ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा, बोले चला जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आके घुसेगा, बोले ये। तो कृष्ण क्या करता है, जैसे ही कर्ण बाण मारता है और कृष्ण का खुद का रथ अर्जुन के साथ 2-3 इंच हिलता है ना, तो कृष्ण बोलता है वाह क्या मारा है कर्ण के लिए। हाँ, कर्ण के लिए, कर्ण ने 5-6 इंच रथ हला दिया अर्जुन का, कृष्ण बोलता है वाह क्या मारा है। अर्जुन एक बाण मारता है वो 5-10 फीट इधर उधर, कृष्ण एक बार होता, अर्जुन देखता बोले क्या चल रहा। कृष्ण वापस से कर्ण बाण मारा, वाह क्या मारा है। इधर अर्जुन मार रहा, अर्जुन को समझ में नहीं आता। अर्जुन बोलता है एक थोड़ी देर बाद शाम प्रहर हो जाता है, शाम का सब बंद हो जाता है, अब शाम को युद्ध नहीं करते। अर्जुन कृष्ण को रात को मिलने जाता है, बोलता है सर जी महीने का पाप किया जीवन में। बोले मैं जब बाण मार रहा था वो इधर का उधर हो रहा था 5-6 फीट से, उसके एम्स ठीक से नहीं लग पा रहे थे और तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे, हालांकि उसने जब बाण मारा तो मेरा रथ सिर्फ 5-6 इंच से हिल रहा है, मैं उसको 5-6 फीट से हिला रहा हूं, वो मुझे सिर्फ 5-6 इंच से हिला रहा है और आप हंस मुझ पे रहे हो और उसको मोटिवेट कर रहे हो, ये कहां का न्याय है। कृष्ण बोलता है बेटा अर्जुन, कर्ण अकेला उस रथ के ऊपर अकेला योद्धा खड़ा है, तेरे रथ पे दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष सारथी बन के बैठा है और तेरे रथ के ऊपर हनुमान जी का खुद का आशीर्वाद है, क्योंकि कृष्ण ने हनुमान श्री हनुमान को इनवाइट किया था अर्जुन के रथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। बोले तेरे रथ पे तू सबसे बड़ा योद्धा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, और हनुमान जी का इतना बड़ा प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी वो आदमी अगर तेरे को 5-6 इंच हिला रहा है ना, अगर मैं नहीं होता और हनुमान जी नहीं होते ना तो तू 50-60 फीट हिल जाता था। ये तो उसका शौर्य है, ये तो उसका शौर्य है, उसकी ताकत है कि वो तेरे को 5-6 इंच हिला रहा है। ये भी तू इतनी बड़ी बात समझ बोले कि तू उसके सामने वैसे भी नहीं टिक सकता अगर हम दोनों नहीं रहते तो। इससे आप 2 मॉरल सीख सकते हो बेटा, लाइफ में कभी भी कोई 5-6 फीट हिला दे, 10-15 फीट भी हिला दे, तो समझ जाना कि हो सकता है सामने वाली चीज के ऊपर किसी का हाथ है। पर इसका मतलब यह है क्या कि तुम में शौर्य नहीं है, तुम तुम्हारा बेस्ट ट्राई कर रहे हो। कर्ण खुद का बेस्ट ट्राई कर रहा था, बोलो हाँ या ना, जोर से बोले यस और नो। और अगर तुम सक्सेसफुल हो तो कभी गर्व मत करना, क्योंकि पॉसिबल है कि तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ है। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि फाउंडेशन जो तुमने पास किया उसके अंदर सिर्फ 100% तुम्हारा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, खास करके 200 से 210 वाले? चलो 300 वाला भी, आई अप्रिसिएट योर एफर्ट्स, मैं कोई नहीं होता तुम्हारे एफर्ट्स के बीच में आने वाला, और तुम ऐसे ही एफर्ट्स करो, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं अलर्ट करना चाहता हूं। सामने वाले का रथ तुम 5-6 फीट हिला चुके हो, इसका मतलब ये नहीं आगे जब दूसरा बलशाली योद्धा आएगा ना वो तुमको 50-60 फीट इधर उधर हिला सकता है, कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए जब भी सक्सेसफुल बनो, तुम फाउंडेशनों के पास हो गए, चलो सेलिब्रेशन हुआ, सक्सेस एंजॉय कर लिया, फाउंडेशन में सब अच्छे से ट्रीट किए, इंटर में भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बस क्योंकि अब अलर्ट नहीं हुए तो बहुत मुश्किल है। और अगर कभी हारो या हार रहे हो, 5-6 फीट रथ हिल रहा है, तो भी ये याद रखना कि 100% खुद का देते जाओ, भले ही हार गए ना तो भी इतिहास में सुवर्ण हस्ताक्षरों में तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। महाभारत में कोई कुछ भी बोले, अर्जुन से ज्यादा सब कर्ण को ही मानते हैं, भले ही वो हारा हो, क्योंकि उसने उसका 100% दिया।
जो 100% देता है ना उसका नाम होता है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट पास और फेल, इट्स अबाउट गिविंग योर 100%. नाम तो कन्फर्म होगा जो 100% देगा, इट्स ओके. कभी सिंपथी में होगा, कभी सक्सेस में हो गया, राइट तो ये चीज को कृपया याद रखना. तो इसलिए मैं कह रहा था तुम फाउंडेशन पास होके आए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो जाएगा, हम तो क्या होशियार है. खास करके वो खतरनाक लोग जो 300 के ऊपर लेके आए हैं. तुम अगर 300 के ऊपर लेके आए हो तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट इससे भी बड़ा चाहिए. वर्क स्किल, नॉलेज स्किल्स, मार्क्स, ऑब्वियसली सब चीजें. 200, 210, 250 के ऊपर है तुम्हारा टारगेट चाहिए, नहीं मैं इसको एक्सेल करूं. ठीक है, ट्राई करो कि सामने वाला का रथ कितना भी कुछ हो अच्छे से हिलाओ. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद का 100% देते हो. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना. तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये जो पूरी चैप्टर लिस्ट है ये मुझे आज याद चाहिए, क्योंकि अगर किसी का रथ हिलाना है तो पता होना चाहिए टेरिटोरी में कितने सेक्शंस कौन सी चीज के है, कौन सी ये युद्ध भूमि है तुम्हारी अगले 90 लेक्चर्स की. बोलो हाँ या ना. और अगले 90 लेक्चर की युद्ध भूमि है तो पता तो होना चाहिए ना कहां कहां पे क्या क्या लाया करता है, कहां पत्थर है, कहां गड्ढा है, क्योंकि गड्ढे में फंसोगे तो कर्ण बन जाओगे, वो भी तो एक बैड पार्ट है. बोलो हाँ या ना. इसलिए कृपया बहुत अच्छे से याद करें, ट्राई करें कि अपने से ज्यादा बाजू वाले को याद करवा दे. दूसरी बात, तुम्हारे याद करने के तरीके ही गलत है. ठीक है, सेरामिक्स के बेसिस पे फाउंडेशन पास हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हो सकता है कृष्ण जी और हनुमान जी बैठे हो. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोले सर नो. पर तरीके 100% सही होने चाहिए. मैं तरीके बोल रहा हूं तीन याद करने के. पूछो कौन कौन से, लास्ट बेंचेस, ध्यान है सबका. बोलो हाँ है ना. एवरीबडी इधर बोलो सर नो. तीन तरीके बोल रहा हूं. सबसे पहले, तुम थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, और वो ये है कि तुम थ्योरी सिर्फ पढ़ते हो. अब जैसे ही मैंने बोला ना इसको याद करना है, तुमने इमीडिएटली हाँ बेसिक्स ऑफ लॉ 1 एंड 2, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेकर 22, क्या तुमको याद नहीं है? करे पहले दो चार चीजें सबको याद है, क्यों जबरदस्ती उन चीजों पे समय दे रहे हो जो ऑलरेडी याद है? बिल्कुल नहीं. इसके बाद पूरे क्लास में 90 लेक्चर में इवन इन द थ्योरी पेपर कोई भी हो, जब भी आपको याद करना है आंखें बंद करके रिसाइट करना शुरू. जो चीज याद नहीं आ रही 5 सेकंड तक वेट करो, फिर भी याद करने की कोशिश करो. ट्रेन योर माइंड, शार्पन योर मेमोरी. और फिर भी याद नहीं आया तो देखो कि ये मेरे को याद नहीं आ रहा, और उसको मार्क करके रखो कि मेरे को याद नहीं आ रहा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तो मार्क की हुई चीज आपके दिमाग में फिट रहे. दूसरा तरीका और बेहतरीन, नीचे देखो, बुक खोलो, रफ में लिख के देखो पूरे चैप्टर का नाम बनाना बुलाना के साथ में, सेक्शन नंबर के साथ. ये अगर तुम करते हो तो बाद में तुम्हारी कोई गलती नहीं हो सकती, बिकॉज जिसने वो चीज लिख ली वो क्या ही गलती कर देगा बाद में. बोलो हाँ या ना. जो नहीं याद आ रहा 5 सेकंड वेट करते रहो, स्क्रबल करते रहो, आ रहा नहीं आ रहा, देखो पूरा नाम वापस से लिखो. इज इट वेरी क्लियर? तीसरी चीज, बाजू वाले को याद करवा दो बिना देखे. ठीक है, जिसको नींद आ रही होगी, ये स्क्रबलिंग वगैरह स्क्रैचिंग नहीं पसंद है, आंखें बंद किया तो सो जाऊंगा, बाजू वाले को याद करवा दो. ये तीन तरीकों से बहुत अच्छे से लर्निंग हो सकता है और बहुत इफिशियंट लर्निंग हो सकता है. आईज क्लोज, रिमेंबर, राइट डाउन इन द रफ, और थर्ड थिंग, साइड वाले को याद करवा दो. आपका समय शुरू होता है अब. डायरेक्ट लिस्ट को देखना ही नहीं है, सीधा बुक में देखो या आंखें बंद करो, खत्म. जो याद नहीं आ रहा सिर्फ आप उसी को देखोगे, दैट्स ऑल, दैट्स इट. और फेयर करना मत इसको, प्लीज डोंट मेक इट फेयर. फेयर में इसको लिखना मत. मैं इसको कैसे लिखना है हर चीज बोलूंगा. मैं रफ में लिखने के बोला, ट्राई इन द रफ. इफ यू गो इन टू फेयर, बाद में मैं जो टेबल ड्रॉ करूंगा वो आप नहीं लिख पाओगे. क्लियर है? सो जस्ट डू इन टू रफ. ठीक है, फेयर मत करो प्लीज. बहुत बढ़िया भूषण बेटा. लाइव स्ट्रीम में जितने लोग इसको लिख रहे हैं आप कमेंट कर सकते हो लाइव स्ट्रीम में, दैट इज गुड टू गेट इन्वॉल्व विद मी प्रॉपरली.
थैंक यू सो मच बेटा निखिल काळे. शानदार. वाव कार्ड नवंबर एग्जाम के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हार्डली दो अमेंडमेंट्स है. ट्राई टू राइट डाउन एंटायर नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है, एक एक वर्ड ठीक है अभी अपने को याद आ रहा है, बट ट्राई टू राइट डाउन एंटायर नेम. वो भी तो कभी याद करना पड़ेगा जीवन में. हाँ है ना, नहीं आ रहा, गलती होगी, ठीक है, आज गलती का ही दिन है ये मान के चलो, गलतियां ही करनी है आज. ओके टेक्निक फुल नेम एंड सेक्शन नंबर स्टार्टिंग एंडिंग वाला. अब समझ में आ रहा होगा कि याद करना और लिखने में कितना फर्क है, राइट? बोलो आया ना. यही तकलीफ होती है बेटा, लॉ सब सिर्फ पढ़ते हैं. गो विद द एक्शंस. अगर आपको लर्न नहीं हो रहा होगा डायरेक्टली चैप्टर का नाम, जो एक्शंस किए हैं ओयो स्टोरी के, वो एक्शन रिपीट करो. एक्शन से आपको सेक्शन याद आएगा, सेक्शन से नाम याद करो. ठीक है, सर आप बाजू से मत घूमो, सब भूल जा रहे हो. हाँ एसी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है देखता हूँ. लाइट इसी का रिमोट कहाँ पे है, कहाँ का किसने लिया है क्या? जिनका पूरा लिखना हो गया, याद हो गया लिख के, साइड वाले को याद करवा दो. हेल्प हिम, बाजू वाले को ट्राई करो कि उसको भी याद हो जाए. ये बाजू वाला बंदा फाइनल में चाहिए साथ में या नहीं चाहिए? बाजू वाला बंदा फाइनल में साथ में चाहिए या नहीं चाहिए? अरे तो क्या कुछ और नहीं हो क्या जीवन में तुम?
डिसाइड कर लिया, चाहिए ही नहीं है, बहुत दिमाग खराब है यार ऐसे, मेरी जिंदगी झंड हो गई, बाजू वाला चाहिए नहीं चाहिए, तो जिम्मेदारी है ना तुम्हारी, हाँ या ना, उसको भी याद करवा दो। ₹30 लाख ओन फंड लगाया, बाद में बचा हुआ मिला उसने फेलोशिप में, स्कॉलरशिप, तो उसने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया दैट इज ओनली ₹30 लाख। बाद में शायद हो सकता है लगाए भी होंगे पर बचे हुए फंडिंग इतने बड़े थे कि क्या ही फर्क पड़ता है उसने ₹20 लाख लगाए या ₹30 लाख लगाए उससे। इधर जम रहा क्या? चलो गुड। चलो जिनको लगता है याद हो गया साइड वाले के साथ डिस्कशन शुरू कर दीजिए, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो भी डिस्कशन शुरू कर दीजिए साइड वाले के साथ, साथ साथ में कर करके हो जाएगा, ठीक है, जस्ट गो विद इट। लाइव स्ट्रीम में कंसिस्टेंटली सब याद करते रहिए, जीडीपीडी में प्लीज फॉलो द प्रोसेस गाइज, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में प्लीज फॉलो द प्रोसेस। जी हाँ ₹8.33% वगैरह, 8.33%। डाइल्यूट इक्विटी क्यों किया? ओके बताऊंगा, जस्ट वेट, ठीक है। और आप इतना ही नहीं, आप फिर ये देखे हो तो इन्फोसिस में नारायण मूर्ति जी का भी देख लो, इट इज हार्डली 17% स्टेक, पूरा इक्विटी डाइल्यूट है। अजीम प्रेम जी इज द ओनली गाय इन एंटायर इंडिया जो खुद के कंपनी में 74% स्टेक रखते हैं। फैमिली एंड नंदन, नारायण मूर्ति नंदन नीलिका नहीं, बोथ फैमिलीज मिलकर सिर्फ 17% होल्ड कर रहे हैं। रीजन बताऊंगा मैं, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। ये वही तो, सी दैट इज व्हाई एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाला गया था ना, साइरस मिस्त्री का केस क्यों हुआ, एप्पल में स्टीव जॉब्स को क्यों निकाला, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे देते हैं? इधर बायबैक ऑफ शेयर्स, या वो खुद का शेयर किसी और को बेच देता है, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है उसको ट्रांसफर कर देता है। इसके दोनों के प्रोसेस अपने सिलेबस में, विल सी, डोंट वरी। ओके डिस्कस डिस्कस, अगर किसी को डिस्कशन पसंद नहीं है, नए सर मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूं जीवन में, तो आप उसी लिस्ट को उल्टा लिख के देखिए, सेम लिस्ट स्टार्ट रिवर्स, अगर आप रिवर्स याद कर सकते हो तो आपको याद हो गया, ठीक है। लेकिन आप सी, मैं आपको अच्छी बातें अच्छे पर्सन के साथ करने का अच्छा मौका दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट डिस्कस।
चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा विशाल सोनाव ने। आदित्य सिंह, वी विल लाइव स्ट्रीम वालों के लिए वी विल हैव गूगल मीट वगैरह, एट दैट टाइम आई विल डायरेक्ट यू रिगार्डिंग कि क्या 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 करना है करके, ठीक है। अगले 5-7 दिन में एक ग्रुप बन जाएगा लाइव स्ट्रीम और जीडीपीडी वालों का, तो उस केस में मैं डिक्लेयर करूंगा गूगल मीट कि क्या करना है क्या नहीं। फेमा कब करवाओगे? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कितना एक्सेप्टेंस है, नियरली एंडेड में आएगा आफ्टर 40-50 लेक्चर्स। बहुत बढ़िया गाइस, यादव रॉकी थैंक यू सो मच बेटा। सर वॉशरूम जा सकते हैं क्या? जा जाओ लाइव स्ट्रीम वाला, तुमको कौन रोकने वाला है? वॉशरूम में जाके लेक्चर देख, मेरा क्या है? फेयर कितना भी याद हो जाए कोई फेयर नहीं करेगा प्लीज, ठीक है? डोंट फेयर इट, आप बाद में पछताओगे। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, दैट्स इट। डिस्कस डिस्कस, जिसका हो गया है याद राइट डाउन रिवर्स, उल्टा पूरा लिस्ट लिखिए वापस एक बार, जिसका उल्टा भी लिख के हो गया राइट डाउन वन बाय वन, एक स्किप एक वन, एक स्किप एक वन, जिसका वन बाय वन भी लिख के हो गया उल्टा वन बाय वन। या दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, दिस इज द ओनली वे। इसके बाद में हम इस चीज के ऊपर इतना समय नहीं दे पाने वाले हैं, सो वॉट एवर इट इज राइट नाउ गिव योर एवरीथिंग। ओके, कितने लोगों को लगता है उनको याद हो गया है नाम के साथ? हा चलो गुड, जिन जिन को नाम के साथ याद हुआ है चलो ठीक है, और 5 मिनट ले लीजिए, सभी फिनिश कर दीजिए, विल सी, गो फॉर इट फास्ट। बैकवर्ड में लिखो, बैकवर्ड में रफ में लिखो, वन बाय वन करके लिखो, एट रैंडमली याद करके लिखो, एट रैंडम वन बाय वन बैकवर्ड से याद करके लिखो, डू व्हाट एवर इज नेसेसरी, जितना उसके साथ शफलिंग कर सकते हो जस्ट डू इट।
डन एवरीबॉडी, थक गया कि क्या? चलो डू इट. चलो बहुत बढ़िया, अमित सोनी याद हो गया तो शानदार. लिख के हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, ख्वाहिश. ओके, हाँ एक सवाल आया है, बहुत जोर से आया है, पूछो क्या. सर कल छुट्टी है क्या? सर प्लीज छुट्टी है दो. कल सेमी क्लास है. सुनो तो, सुन तो लो, पहले ही सर शुरू कर दिया. हूर देखा नहीं रिंग डालने आगे, रुको ना जरा. पूछो क्या. फाउंडेशन में जिसके कंपनी लॉ के कंसेप्ट बेसिक वाले, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 8 केसेस, उससे एक भी कम नहीं. सेपरेट लीगल एंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 केसेस, उससे एक भी कम नहीं. और कंपनी का बेसिक जिसका वीक है, और सभी डायरेक्ट एंट्री वाले, कृपया चुपचाप कल आ जाए. ठीक है, हमें अच्छी मजबूत और तगड़ी इमारत बनानी है, जिसके लिए अच्छा मजबूत और तगड़ा बेस होना जरूरी है. ठीक है, डायरेक्ट एंट्री वालों ने तो सबने आना ही है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है. और जिनका फाउंडेशन में कंपनी लॉ का कोई कैरेक्टर वैरेक्टर को, सर वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पर्दा है पर्दा. ठीक है, तो जिन्होंने ये सब ऑप्शन वगैरह में छोड़ दिया है, ठीक है, जस्ट जितना मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कंपनी के बेसिक मीनिंग, जिनको नहीं पता वो कृपया आए. कल क्लास के अंदर हम ये चीज पढ़ाने वाले हैं, बट ये एक्स्ट्रा लेक्चर होगा. ठीक है, ये लेक्चर आपके सीरीज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ये अलग से गूगल ड्राइव में आपके फोल्डर के ऊपर अपलोडेड रहेगा, बैकअप में भी. जिसको देखना है देखे, रिकमेंडेड है, सब लोगों ने देखना चाहिए. ठीक है, बट अगर आपको सब याद है, कैरेक्टरिस्टिक लिफ्टिंग वगैरह ओके है, मैं थैंक यू, तो इट्स ओके, नॉट एन इशू, आप उसको स्किप कर सकते हो, एंजॉय योर हॉलीडे. पर अगर आपका ये वीक है, तो एक एंगल से खुद से भी पूछेगा, क्या मैंने हॉलीडे एंजॉय करना चाहिए क्या. ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं, मैं जिंदा यहां पे आएगा. सेम टाइम, अपन समय दूसरा कोई नहीं लेंगे, यही समय रहेगा. इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले सर नो. तो जिन जिन को जरूरत है कृपया आ जाए, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं. ठीक है, लाइव स्ट्रीम भी होगा. ऐसे ही जितने एडिशनल लेक्चर है, मेडिटेशन, प्लानिंग वगैरह, सब सब संडे टू संडे होते रहेंगे. ठीक है, जिसको अटेंड करने करो, जिसको स्किप करने करो, तुम्हारी मर्जी. ठीक है, चलो हो गया सबका. बच्चों याद हुआ क्या? हाँ सर. अच्छे से बोलो, याद हुआ क्या? याद हुआ क्या? कितना याद हुआ? चैप्टर के नाम याद? सर सेक्शन याद है, बनाना बुलाना याद है, वो जो नाम है ना इतना लंबा वाला, सर वो याद नहीं हो रहा. इट्स ओके, अगर नाम याद नहीं हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कितने लोगों को नाम वगैरह भी याद हो गया है? प्लीज रेज योर हैंड. आहा हा, शानदार, इतने पॉपुलेशन को याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. बच्चे हो ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम रिवाइज ही इतने बार करने वाले, इसके बाद में इसको कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सुन सुन के ही याद हो जाएगा. इज इट वेरी क्लियर? अब एक मस्त काम करने का, बुक बन. ठीक है, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, तुम इसे बनाओ, इससे पहले मैं इसे बना दूं. ठीक है, सबसे पहली बात पूछो क्या. एग्जाम राइटिंग का होता है बेटा, एंड राइटिंग के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं. हो सकता है फाउंडेशन में तुमने बीसीआर पढ़ा हो. बीसीआर पढ़ा ना, ये भी एक सब्जेक्ट था लॉ के साथ, उसी की वजह से तो पास हुए हैं सर. ठीक है, सो बीसीआर तुमने पढ़ा हो, पर मेरे हिसाब से थोड़े राइटिंग एटिकेट्स भाई साहब अपन ने थोड़े सुधारने चाहिए. प्लीज फॉलो सम राइटिंग फॉर्मेलिटीज, क्योंकि तुम किस प्रकार लिखते हो ना, इससे एक्चुअली तुम्हारा पढ़ाई करने का नजरिया और तरीका समझ में आता है. आपको बताइए, यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, या यूपीएससी के इंटरव्यू, मतलब जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर, वो 12th फेल मूवी देखा होगा आपने,
प्रीलिम्स मेंस जो क्लियर करते हैं ना और बाद में कई बार इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में कितने बार उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है, एक लेटर लिख के दिखा, कि एक फॉर्मल लेटर लिख के दिखा और एक इनफॉर्मल लेटर लिख के दिखा इंटरव्यू में कई बार लिख के दिखा, और वो उसका इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ उस बेसिस पे वो बंदे का पूरा जिंदगी डिसाइड हो जाता है कि सब्सिडी में सबसे नीचे गिरेगा या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, जस्ट बाय वन सिंगल थिंग, राइटिंग टेक्निक। आपको पता है हैंड राइटिंग से पर्सनैलिटी एनालिसिस हो जाता है, बोलो हाँ है ना? तो अगर हैंड राइटिंग से पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है, मतलब जैसा आपका पर्सनैलिटी है वैसा आपका राइटिंग होगा। इज इट? बोलो हाँ है ना? तो इसका एक और अच्छा मतलब निकल सकता है ना बच्चों, कि अगर आप आपका राइटिंग थोड़ा सा सुधार दो तो आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सुधर जाएगी। इफ ए इज इक्वल टू बी तो देन बी इज इक्वल टू ए, बोलो हाँ या ना? इसलिए राइटिंग के कुछ एटिकेट्स हम फॉलो करेंगे, बुक कुछ ऐसे मेंटेन करनी है कि लोग जेरोक्स मांगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैं कैसे लिखता हूं कृपया उसके ऊपर ध्यान दे, इसके बाद में ये वापस से बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए प्लीज फोकस वेरी प्रॉपरली। ठीक है? हर बार जो भी आप बुक में लिख रहे हो, वेदर इट इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी टाइप का टेबल, डजंट मैटर, आपका काम ये है। क्या हो गया इसको? अरे मां कसम, व्हाट इज, व्हाई दिस कोलावरिटी? बंद, एक सेकंड, ना खराब नहीं हो गया ना? लाइक खराब हो गया बोले, चाइना कोई नहीं बोलेगा, पहली बोल रहा हूं। एप्पल नहीं, अपने अब गरीब आदमी है, लैपटॉप लेके घूमते हैं हम, एप्पल बड़े लोगों के पास। विजय सर, अभिषेक सर, कौन तीन तीन महीने में फोन बदलता है? मैं तीन महीने में? सब अफवाहें है, ये चीज को याद रखना तुमने, जब तक खुद की आंखों से ना देखो भरोसा मत करना, ठीक है? और तीन महीने में तो तुम्हारी बैच खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें, बोलो आया ना? सो आई विल जस्ट राइट डाउन, प्लीज फॉलो द वेरी बेसिक एटिकेट्स। ठीक है? पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू राइट, प्लीज ट्राई टू मेक सम पार्टीशंस, फ्यू लाइंस, उसको शायद नहीं दिखना चाहिए। सो दिस इज अवर चैप्टर लिस्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है? अब चैप्टर लिस्ट सिर्फ है तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ चैप्टर लिस्ट है, इसमें सेक्शन लिस्ट भी आएगा और एक और चीज आएगा। आई विल जस्ट शो यू, दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज नेम ऑफ द चैप्टर, दिस इज सेक्शन रेंज, एंड हियर आर ई फॉर्म इनिशियल्स। ई फॉर्म इनिशियल्स आपको सब अभी याद करने हैं, आज ही, और याद भी हो जाएंगे, एज दोज आर नॉट डिफिकल्ट, इमीडिएटली याद हो जाएंगे, क्योंकि ई फॉर्म्स के ऊपर मार्क है। एक हाथ बार आप सेक्शन भूल जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? सेक्शन इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रिप ऑन द लॉ, बट ई फॉर्म अर्न्स द मार्क। ठीक है? ई फॉर्म पे मार्क्स मिलते हैं बिकॉज दोज आर द प्रोसेस, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइज? जोर से बोलो यस और नो। ओके, सीरियल नंबर, अब मैं स्टार्ट करता हूं लिखना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो सबसे पहला हमारा सिलेबस है कंपनी लॉ। ठीक है? वी विल स्टार्ट विद सीरियल नंबर वन। पहला चैप्टर कौन सा है? प्रिलिमिनरी, इसको हम प्यार से बोलते हैं बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ भी बोल सकते हो, कंपनीज एक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है? सेक्शन नंबर है कौन सा? वन, टू। ई फॉर्म इसके अंदर कोई है क्या? नहीं, एन ए। एक लाइन छोड़ना है, दूसरा चैप्टर लिखना है, दैट इज बनाना। आप बनाना भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। बनाना लिख के रखो, बेटर है, आप कभी भूल जाओ तो मेमोरी टेक्निक विल हेल्प यू टू रिट्राइव इट बैक। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? सो आई विल राइट डाउन बनाना। ठीक है? फॉर्मेशन एंड क्या लिख बाजू से? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है? ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ऑफ कंपनीज लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन नंबर कहां से कहां तक है? 3 से लेकर 22। इसका ई फॉर्म है आई एन सी। क्या है बोले एक बार जो से? आई एन सी।
आईएनसी 1 से लेके आईएनसी 34 तक, तो इसका मैं रेंज भी लिख के रखू, आईएनसी 1 से लेके आईएनसी 34 इज द ईफॉर्म रेंज फॉर द चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और ईफॉर्म्स याद करने हैं, सेक्शन एखादी बार 19-20, पर सिर्फ 19-20, 15-20 नहीं, समझ में आया? नहीं तो जैसे मैं बोलता हूं सेक्शन एकाधी बार 19-20, याद रखना लॉ पे कमांड चाहिए, लॉ आपको ना चलाए और आप लॉ सब्जेक्ट को चलाओ, ये आपको चाहिए, तो आपको सेक्शन याद करने पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा नेक्स्ट वाला एक लाइन छोड़ के थर्ड, दैट इज बुलाना। सब जन बोलेंगे नाम प्लीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस एंड क्या लिख बाजू से, अलॉटमेंट ऑफ क्या बोले बाजू से, शेयर्स। इसका सेक्शन कहां से कहां तक बोले एक बार, 23 से लेके 42, ई फॉर्म इनिशियल्स है PAS1 से लेके PAS5। इस चैप्टर में 5 ही फॉर्म्स है। सो व्हेन एवर यू रिवाइज दिस चैप्टर ना, एक दिमाग में डिजिट फिट होता जाएगा कि इसमें कितने ई फॉर्म्स आ सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर गाइज? जोर से बोलो यस और नो। इस तरीके से पूरा लिस्ट क्रिएट करने का है, समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। पर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ई फॉर्म्स शायद नहीं पता, तो आप ई फॉर्म का कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंड में वो फिलअप कर दूंगा। एनीवेज मैं लिस्ट बना रहा हूं, एंड में आप ई फॉर्म वाला कॉलम कॉपी कीजिए, बट आई वॉन्ट कि फेयर में भी ये लिस्ट आप खुद बनाओ, ठीक है? मैंने आपको डेमो दे दिया कैसे करना है इसको, आप खुद शुरू हो जाओ, जहां आप रुकोगे बोर्ड पर देख लेना, मैं खुद वैसे भी लिखने वाला हूं, ठीक है? सो मैं यहां मेरी लिस्ट बना रहा हूं, आप आपकी बनाओ, जहां आपको रुकावट आ जाए वहां पे बोर्ड के ऊपर देख के कॉपी कर लो। और ई फॉर्म अगर आप साथ में ही कॉपी करना चाहते हो साइड बाय साइड, यू कैन ऑल्सो डू दैट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलो स्टार्ट हो जाओ। अच्छा कहां लिखोगे, वेयर यू विल राइट इट डाउन? रजिस्टर है आपके पास? पॉसिबली रजिस्टर का अगर इंडेक्स वाला पेज या फर्स्ट पेज ब्लैंक है आपका, पहले दो पेजेस अगर ब्लैंक है, दो चाहिए मुझे, ठीक है? पहले दो एकदम स्टार्टिंग के कवर पेज के बाद वाले, पहले दो पेजेस ब्लैंक है तो ट्राई देयर, नहीं तो जहां पे हो वहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है? पहले दो पेजेस, अगर पेजेस मतलब पन्ने नहीं, दो पेजेस फेसेस, ठीक है? अगर ब्लैंक है तो वहां लिखो एकदम, मतलब जैसे ही आप बुक खोलो आपको लिस्ट दिख जाए ऐसा। और अगर नहीं जम रहा है तो राइट इट डाउन वेयर एवर यू आर, जहां पे आप हो वहां पे लिख लो, ठीक है? हाँ, आप कंपनी लॉ ऊपर मैंने लिखा है ना, हाँ बेसिक्स ऑफ, हाँ अगर आपने लिखा है बेसिक और बेसिक के बाद, वही बोल रहा हूं, जहां पे आप हो वहां लिखा तो भी चलेगा, बेसिक अभी खत्म हो गया है, इट्स इट, बेसिक्स ऑफ लॉ इज फिनिश, उसके बाद एनीवेज कंपनीज एक्ट शुरू होने वाला है। ऊपर मस्त चैप्टर लिस्ट करके नाम दे दो, सिलेबस चैप्टर लिस्ट नाम दे दो, कुछ अच्छा सा नाम दे दो एंड स्टार्ट।
याद करके लिखिए कृपया, जो याद नहीं आ रहा सिर्फ वही देखिए। एक चैप्टर में ऐड कर रहा हूं, कौन सा? 11 चैप्टर बोले थे ना मैंने, 148 तक, और 14 सेक्शन सेपरेटली। फॉरेन कंपनी, इसके सेक्शन सेपरेटली ही याद करेंगे, पर याद जरूर करेंगे, थीम में नहीं था इसलिए अभी तक हमने नहीं लिखा। एलएलपी एक्ट का ईयर क्या है? 11वीं के ई फॉर्म्स दिए हैं, पर याद करना कंपल्सन नहीं है, बट स्टिल जितने हो सकते हैं अपन याद करेंगे। फिलहाल मैंने एनए लिखा है। बिना देखे ट्राई करो प्लीज।
चलो लाइव स्ट्रीम में सबको याद हो गया, कृपया कमेंट कर दीजिए। चलो डन गाइस, चलो कंप्लीट द लिस्ट। हाँ बोलिए बेटा, सॉरी ऊपर, अच्छा ड्रैग करो ऊपर, ओके ई फॉर्म्स देखने देख लीजिए। ई फॉर्म का नंबर एक आध इधर उधर हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस में अमेंडमेंट में एक दो इधर उधर ऐड किए होंगे, तो अपन टाइम पे उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट रफली इतने ई फॉर्म्स है। ठीक है, पहला भी नहीं देखा, यहां से ई फॉर्म शुरू होते हैं, गो फॉर इट। बोलो क्या हुआ, ई फॉर्म क्या होता है? ई फॉर्म बस बोल सकते हो, ऐसे कोई नहीं है। ई फॉर्म इज द फॉर्म्स नीड टू बी पास, जैसे आप इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पढ़े होंगे सेक्शन 7 में, कंपनी बनाने की प्रोसेस, राइट? तो कंपनी बनाने के आपने सिर्फ प्रोसेस पढ़ी, पर वो प्रोसेस कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फाइलिंग करने पड़ते होंगे, वो फाइलिंग्स ई फॉर्म के माध्यम से आते हैं। हम ई फॉर्म्स जो मेन मेन वाले हैं वो ओपन भी करके देखने वाले हैं क्लास के अंदर, कि जो फॉर्मेशन वगैरह के ई फॉर्म है, INC 32, SPICY 32 वगैरह, वो सब अपन ओपन भी करके देखेंगे, तो यू विल कम टू नो कि ई फॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ई फॉर्म्स आपको अगर नहीं भी समझा अभी कुछ, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आप सिर्फ फिलहाल लिख लीजिए इसको। ठीक है, डन एवरीबॉडी। बच्चों बोलो हाँ है ना, हो गया सबका? Are you guys done? हो गया बच्चों सबका? Sure. लिस्ट बन गया गाइस? चलो एक बार सभी एक्शंस कर ले, सभी याद कर ले, बोलो हाँ है ना? ओके, आर यू गाइस रेडी? चलो लिस्ट वगैरह सब साइड में, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। आर यू गाइस रेडी? मुंडी मुंडी चटको, स्ट्रेट बैठो। सर भूख लग गई सर। आई नो, ठीक है, ज्ञान की भूख होनी चाहिए, ज्ञान की। कुछ भी बोलो हम नहीं सुनने वाले। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले एक्शन के साथ रेडी सब जन, अब चैप्टर के नाम भी चाहिए मेरे को। हाँ, एक्शन के साथ सबसे पहले क्या है? बनाना। सब लोग एक्शन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या है? बनाना। नाम क्या है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 3 से लेके 22। दूसरा बुलाना, मतलब
प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 23 से लेके 42 तक। तीसरा लगाना, क्या शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72 तक। फिर डालना, क्या डालना है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स सेक्शन नंबर 73 से लेके 76 ए, याद रखना अमेंडेड है, ठीक है। फिर चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट सेक्शन नंबर 77 से लेके 87, याद आया सबको। फिर मैनेज करना, क्या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122 तक, बोलो हाँ या ना। फिर बांटना, क्या बांटते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसका एक और नाम है डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 123 से लेके 127 तक, क्लियर है। फिर क्लोज करना, क्या क्लोज कर रहे हैं सबजन, बोलो, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से लेके 138 तक। फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, चेक करना, बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर 139 से लेके 148, एक चैप्टर सेपरेटली याद रखने का है, एंड एंड में आता है, कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन है, एंड में 300 की रेंज में भी एंड में आता है, फॉरेन कंपनी, कौन सा बोलो, फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393 तक, क्लियर है, अलग से याद रखो, रह जाएगा, इतना सारा याद रहा तो क्या बात है, ठीक है। मुझे बताओ फिर एलएलपी में कितने सेक्शन है, 81, फेमा में कितने हैं, 49। नेक्स्ट चैप्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ना सेक्शन ना ई फॉर्म, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ना सेक्शन ना ई फॉर्म, यह है हमारा 100 मार्क का सिलेबस। इज इट वेरी क्लियर गाइस, जोर से बोलो हाँ या ना, एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, बोलो यस सर नो। अब एक चीज सुनना, पूछो क्या, हम ना बहुत सारी चीजें मेमोरी टेक्निक से पढ़ेंगे, जैसे आज हमने ओयो स्टोरी से चैप्टर की लिस्ट पढ़ी, बोलो हाँ या ना। पर अभी अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, तो आपको ओयो स्टोरी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब आधे एक घंटे पहले अगर स्टोरी नहीं रहती तो चैप्टर नहीं रहते थे, बोलो यस और नो। बट राइट नाउ आपको ओयो स्टोरी की जरूरत है क्या चैप्टर्स के लिए, नहीं, आपको चैप्टर वैसे ही याद आ रहे होंगे। दिस इज द ओनली गेम, तुम नदी के इस किनारे खड़े हो, अगर तुमको याद करना है तो बोट लेने का, मेमोरी टेक्निक का, बोट लेने का, सफर करने का, दूसरे किनारे पहुंच जाने का, याद हो गया, याद हो गया तो बोट नदी में ही छोड़ने का, सिर पे लेके नहीं जाने का, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट ना गाइस। तो मेमोरी टेक्निक जैसी काम करे, मेमोरी में बैठ जाए, तो टेक्निक छोड़ भी दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू जस्ट रिमेंबर एज अ ओयो एज जस्ट एडिशनल केस स्टडी, कि मैंने तुमको एक अच्छा सा केस स्टडी पढ़ा दिया। अब ओयो का और चैप्टर लिस्ट का तब तक कोई संबंध लाने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार यस और नो, और ऐसा हर बार होगा, ऐसा हर बार होगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस, बोले यस और नो। तो याद रखने का, बोट को सिर पे लेके जाने का नहीं, याद हो गया ना, बात खत्म, किनारा पार हो गया एंड, और क्या चाहिए जीवन में, यस और नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने क्या आपको सिलेबस पढ़ाया, जोर से बोलो, क्या सिलेबस पढ़ाया, क्या मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, आज मैंने एक मार्क भी मिलेगा ऐसी कोई चीज पढ़ाई करे। पर मुझे एक बात बताओ, आज जो मैंने पढ़ाया उससे आपके ज्ञान में, नॉलेज में और मार्क्स में तगड़ा इजाफा हो सकता है या नहीं, तो हर बार मार्क के लिए पढ़ना जरूरी नहीं होता। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। आप प्रिपरेशन क्या करते हो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं मैंने आपके साथ क्या किया, दिस इज द लास्ट थिंग। मैं अब क्या करूंगा पता है, मुंडे मुंडे को स्ट्रेट बैठो एकदम, पूरा मेरे को एकदम पूरा फोकस, ठीक है, मेरे को पूरा ध्यान चाहिए। एवरीवन इज रेडी, लास्ट बेंचेस, सब रेडी है, सर रेडी तो कब से है, नहीं सच में बी वेरी सीरियस, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने आपके साथ क्या किया है। हर बार क्यों हंस रहे हो, मेरे को नहीं समझ इसमें क्या कुछ हो के जीवन में।
लेट्स गो। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी ना एक सेक्शन नंबर बोलूंगा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताना कौन से चैप्टर से आ सकता है। कैन यू डू दिस? मैं सेक्शन बोलूंगा, रेंज तुम्हें याद है तो मुझे सिर्फ बताओ कौन से चैप्टर से, इतना कर सकते हैं? बुक बन, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलो शुरू करें, बच्चों बोलो हाँ है ना, और सबने बोलना है। एक सेकंड लगे, दो सेकंड लगे, इट्स ओके, तीसरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बाजू वाला बोल देगा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 50, सोचो सोचो, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। क्या आपने सेक्शन 50 पढ़ा अभी तक? क्या आपको नाम भी पता है? पर आपको यह पता है कहां से? पावर समझ में आ रहा है? कल उठा के मैं सीधा सेक्शन 50 पढ़ाना शुरू करूं और मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, लॉ में लाइन से सेक्शन पढ़ना क्राइम है, क्योंकि हर सेक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इट इज लाइक अ स्पाइडर वेब, एक धागा तोड़ दो ना पूरा लॉ कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट ने पूरा नया ट्रेंड शुरू कर दिया पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट से, 2-3 सेक्शन मिलके एक सवाल पूछते हैं क्रॉस रेफरेंस में, और केस स्टडी में तो 2-3 चैप्टर मिलके पूछते हैं कि फेमा मिक्स कर दिया, इधर चार्जेस ऑन असेट मिक्स कर दिया, उधर शेयर कैपिटल मिक्स कर दिया। अगर तुमको ऐसा सॉल्व करना है तो ऐसा पढ़ना भी पड़ेगा अंदर। इसलिए अब मैंने क्या कर दिया पता है? मैंने तुम्हारे दिमाग में कर दिया घर, कंपार्टमेंट्स। अब तुम चाहो या ना चाहो, मैं जिस दिन सेक्शन पढ़ाएगा ना, वो सेक्शन अपने आप जाके अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। मैंने तुम्हारे माइंड को मैप कर डाला। अब तुम चाहो ना चाहो, मैं कुछ भी बोलूं, मैंने सेक्शन का नाम लिया, नाम ले लिया, तुम्हारी मेमोरी ही ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी कि ये सेक्शन ये चैप्टर से है। तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स ट्राई सेक्शन नंबर 100। तुमने किया, मेमोरी काम करना शुरू कर दिया, इज इट? बोलो हाँ है ना। सेक्शन नंबर लेट्स से 120, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 70, बॉर्डर्स के सेक्शन आए ना, थोड़ा संभल के रहने का, क्योंकि बॉर्डर के सेक्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 70, इधर इधर दोनों लोग बोलो सेक्शन 70। नहीं पता? सेक्शन 70 नहीं पता मेरे को, क्या लगा के रखा यहां? बोलो बोलो, प्लीज गेट इन्वॉल्व, ठीक है। सेक्शन नंबर 70 किसका है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। सेक्शन नंबर 80, चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन नंबर 125। सब जन लास्ट बेंचर से भी आंसर चाहिए मेरे को, लाइव स्ट्रीम से भी आंसर चाहिए, कमेंट कीजिए कृपया। 125 किसका है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 123 से लेके 127 याद है। सेक्शन नंबर 140, जोर से बोलो कौन सा चैप्टर है? ऑडिट, 139 से लेके 148। सेक्शन नंबर 20, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, 3 से लेके 22। सेक्शन 25, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 23 से लेके 42 याद है। सेक्शन नंबर 95, मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, 85। चार्जेस ऑन असेट, 77 से लेके 87। सेक्शन नंबर 75, डिफिकल्ट होते जा रहा है ना, 75 हाँ। डिपॉजिट, 73 से लेके 76 ए याद है। 65, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 55 शेयर कैपिटल एंड, 45 शेयर कैपिटल, 35 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मेरे को बताओ रे, 10-20 सेक्शन पूछ लिए, एक भी याद करे तुमको कौन सा है? पर तुमको ये मालूम है कहां से है। इससे क्या होगा, मैंने सेक्शन को छुआ, तुमको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, अरे यार ये सेक्शन तो ये चैप्टर का है, मतलब माइट बी सर किस बारे में बात करने वाले, मुझे पता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
ये फायदा है। और अगर बिना याद किए भी चैप्टर याद है तो याद जब करेंगे तो सेक्शन भी याद हो जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? पर डेली 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाय नियरली 80 लेक्चर्स, 75 ही बोलो, ठीक है। और हर चैप्टर 11 चैप्टर के डेली 15 मिनट, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 165 प्लस 750 मिनट्स, टोटल कितना हो गया नियरली 900 मिनट्स, बोलो हाँ या ना। 900 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 15 घंटे 15 आवर्स, बोलो हाँ या ना। पूरे 200 घंटे की क्लास में से या 210 घंटे की क्लास में से हम सिर्फ 15 घंटे सेक्शन रिवीजन पे देने वाले हैं, सिर्फ 15 घंटे। 15 आवर से कोई भी ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। 15 आवर्स इज मैक्स ऑन द सेक्शन रिमेंबरिंग। ये 15 घंटे में सेक्शन याद होने चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर रिफॉर्म्स भी याद होंगे, ठीक है। तो 15 आवर्स आउट ऑफ 200, आई गेस दिस इज अ मोर देन सफिशियंट टाइम टू पे अटेंशन टू दोस थिंग्स जो हमारे मार्क में एडिशन करता है। फिर भी अब क्या है ना, कैसा है, तुम जंगल में आए हो, प्रेस्टिज पॉइंट इज जंगल, जंगल में अजीबो गरीब अलग प्राणी भी रहते हैं, बोलो हाँ है ना। तो कोई तुमको छेड़ने आ जाएगा, सेक्शन थोड़ी याद करना जरूरी है। तो बोलने का ओके नहीं है, ठीक है भाई तू बड़ा, लेकिन अपन ने याद करने का, क्योंकि अपने को मालूम है एक आंसर शीट आएगी विद द सेक्शन नंबर, एक आंसर शीट आएगी विदाउट द सेक्शन नंबर, कंटेंट दोनों में सेम लिखा है, तो ग्रेस मार्किंग किसको होगा? ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? ई फॉर्म्स पे तो वैसे भी मार्क है, ई फॉर्म्स पे तो वैसे भी मार्क है। तो अगर कोई बोलने आए तो पहले सुन लेने का, ज्यादा ही चढ़ने लग जाए पूछ लेने का एक बार चैप्टर लिस्ट बता, ठीक है। किसी ने ये भी बोला और हमारे तो 10 चैप्टर हो गए, बोलना सेक्शन बता, ठीक है, कि ये 5-6 चैप्टर हो गए ना, इनका स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन बता देगा। मोर पढ़ के खत्म नहीं करना है मुझे लॉ, बहुत बड़ा क्राइम होगा। मेरे को लॉ घुसाने का है इस हद तक के कि तुम ऐसा लिखो कि इंडिया में दूसरा कोई लिख ना पाए। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले एक बार यस और नो, एंड वी आर जस्ट वर्किंग फॉर दैट। हर एक मिनट हर एक सेकंड इस क्लास का बस उसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। यहां तक समझ में आया सबको? जोर से बोले एक बार यस और नो, सबको क्लियर है? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। रहे 15 मिनट बाकी, ठीक है। अब जरा डिस्कस करते हैं होमवर्क, कल जो दिया था मैंने, इज इट, बोलो हाँ है ना। चलो, सो कल मैंने होमवर्क दिया था कि लॉ पास करने का है, और लॉ पास करने के लिए आपने स्टेप्स लिखने चाहिए, बोलो यस और नो। क्या निर्मला मैम को हेल्प किया तुमने? अच्छे से हेल्प किया, बोलो यस और नो। ओके, क्या पॉइंट्स लिखे? पॉइंट नंबर 1, ड्राफ्टिंग ना डायरेक्ट। फिर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? ड्राफ्टिंग ना। ओके, सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। एज द लॉ रिलेट्स टू द यूनियन लिस्ट, इट इज एडवाइजेबल टू पास द सेम थ्रू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 245 एंड 246 ऑफ यूनियन लिस्ट। यहां से शुरुआत होगी। समझ में आया मार्क्स क्यों कटे हैं? आइडिया क्लियर है? फिर पॉइंट नंबर 2 में द ड्राफ्ट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सुन लो। हालांकि ये क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं है। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के क्वेश्चन आएंगे तो पहले 4-5 क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इतनी इच्छा नहीं है कि तुम्हारी पूरी फट जाए। अभी कैसे कवले कवले आए हो, नए नए आए हो, थोड़ा तुमको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। डाउन द लाइन 2-3 लेक्चर्स गॉन, बेइज्जती शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, लिटिल लिटिल करके, ठीक है। तो अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सुन लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इट्स ओके, वैसे भी एग्जाम नहीं पूछा आने वाला, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इतना ही कि तुम गलत कर रहे हो या कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या लिखा, बोले एक बार जोर से। 3 टाइप के लॉज होते हैं, लैंग्वेज कैसा भी हो फिलहाल मायने नहीं रखता, आगे जाके मैं उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा। 3 में से आपने यूनियन लिस्ट फॉलो करना चाहिए, आर्टिकल 245 246 पॉइंट 1 में मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में आपने ड्राफ्ट बनाना है लॉ का, लॉ का ड्राफ्ट कोई भी बना सकता है, उसे बिल कहा जाता है। बिल ये वर्ड आपके सेकंड पॉइंट में आना चाहिए।
उसके बाद में थर्ड पॉइंट में द बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड रेड एट द कैबिनेट बाय जो से पार्लियामेंट नॉर्मली बाय चेयरमैन ऑफ द मिनिस्ट्री. ठीक है, नॉर्मली लिखना क्योंकि हर बार जरूरी है क्या? नहीं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द बिल आफ्टर रीडिंग विद द पार्लियामेंट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक कमेंट्स एंड पब्लिक विल कमेंट ऑन द सेम कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द कंपनी सॉरी द मिनिस्ट्री शॉल क्रिएट अ स्टैंडिंग कमिटीज फॉर एडवाइस ऑन सच अ लॉ. ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी बनाना पड़ेगा. नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट लिखते जाते हैं, बट वैल्यूअर को तब तक के एक्सेप्टेंस नहीं आएगा जब तक आप यह ना समझाओ कि तुम्हें समझा है. और तुम्हें समझा है ये तुम कैसे समझाओगे, बाय राइटिंग एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमिटी में आप एक मस्त एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल ये लिखा आपने कि स्टैंडिंग कमिटी शुड बी प्रिपेयर्ड, इसके इमीडिएटली बाद लिखो फॉर एग्जांपल फॉर कंपनीज एक्ट 2013 देयर वर फाइव कमिटीज व्हिच वर बीन क्रिएटेड. हो सकता है पांचों कमिटी के नाम दे दो, बोलो हाँ है ना, तो उसको यह समझेगा कि तुम्हें समझ में आया है. एग्जाम्पल एम्फेसाइजेस दैट यू नो इट ऑलरेडी. ठीक है, तुमको बहुत अच्छे समझ में आया और तुमको ज्ञान भी इसका बहुत अच्छे से है. इज इट वेरी क्लियर? तो ट्राई कीजिएगा कि आप वहां एग्जाम्पल लिखे. जो मैं करेक्शन बोलो करते जाइए, जस्ट डोंट लिसन. आपके आंसर में कृपया मार्किंग करते जाइए. ठीक है, आई नो इतना काम का आंसर नहीं है ये, बट स्टिल एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक इटसेल्फ इज अ प्रोसेस. प्लीज गो. ठीक है, सो वहां पे आप लिख के रखिए स्टैंडिंग कमिटी के एग्जांपल्स देना जरूरी है. ठीक है, आफ्टर दैट द लॉ शुड बी प्लेस्ड एट नेक्स्ट पॉइंट में, लॉ शुड बी प्लेस्ड एट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में आपने वापस से लॉ रखने का है. ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ वोट शुड बी पास्ड. अब बहुत सारे बच्चों ने यहां 545 मेंबर्स 245 मेंबर्स ये इक्वेशन भी दिए होंगे. कितने लोग हाथ रेस करो कि 545 245 लिखा. लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिखा तो कोई गलत नहीं है. ठीक है, बट ट्राई करना कि नॉर्मली जब तक ना पूछा हो नंबरिंग में ना घुसो, खुद रिस्की एरिया में जा रहे हो. इज इट वेरी क्लियर? तो नंबरिंग में तभी घुसने का जब उन्होंने कैलकुलेशन पूछा है. इज इट वेरी क्लियर? कैलकुलेशन नहीं पूछा, आप बेल मुझे मार करने का नहीं. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो. तो सजेशन लिख के रखो जिन्होंने नंबरिंग लिखा है कि ट्राई टू अवॉइड द नंबरिंग अनलेस आस्ट. सभी लिख के रखो ये रूल कि ट्राई टू अवॉइड नंबरिंग अनलेस आस्ट. Try to avoid numbering unless asked. लिख लिया सबने? ये होने के बाद में next point, as the law is passed at the House of People and House of State Council, it should be transferred to किसको बोले एक बार जो से President and President shall approve the same. अब उन्होंने पूछा नहीं है, पर क्या तुम veto power के बारे में लिखोगे या नहीं लिखोगे? मैं बोलना चाहूंगा आंसर का लेंथ टैकल कीजिए. चार मार्क के लिए आंसर है तो आप नहीं लिखोगे क्योंकि लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना. लेकिन यही अगर 6 मार्क के लिए आंसर है तो वेटो पावर जॉइंट सेशन दोनों लिख सकते हो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्क. तुमने डिटेलिंग कौन सा ऐड करने चाहिए ये मार्क के ऊपर भी बहुत फर्क करता है. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले यस और नो. तो वहां पे लिख के रखिए इफ इट इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन जस्ट गिव नॉर्मल स्टेप्स. इफ इट इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन जस्ट गिव द नॉर्मल स्टेप्स. If it is more than 4 marks, if it is more than 4 marks, give further detailings. Give further detailings. Okay. सवाल है सर ये डिटेल और ये तो चेक करना सब्जेक्टिव होता है ना. ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव होता है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा तो सर लिखना चाहिए. पर मैं आपको बोलूं एग्जामिनर ये हमारे दिमाग का उपज है कि वैल्यूअर कुछ एक्सपेक्ट करता है या नहीं. तो मैं थोड़ा सा वैल्यूअर का मेंटेलिटी बोलूं चलेगा एक मिनट के लिए? अरे बोलो हाँ है ना. तुम ना वैल्यूअर को ना बहुत सिर पे चढ़ा के बैठे हो और तुमने ना उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बांध लिए. फ्रेंकली बोलूं तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैंने तुमको 100 पेपर सीए फाउंडेशन के उठा के दे दिए आंसर शीट, बोला 5 घंटे में खत्म करने हैं, हर एक आंसर शीट के लिए ₹50 मिलेंगे. विल यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू इट और यू विल जस्ट डू इट फॉर फॉर्मेलिटी? नाउ इमेजिन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द सेम टास्क इज गिवन टू यू, तो वो तो और भी ज्यादा फॉर्मेलिटी हो जाएगा. मतलब तुमको इच्छा ही नहीं है बट तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो. दूसरी बात थोड़ा सोचिए, ये टास्क हाथ में लेगा भी कौन? अगर मैं ₹100 पर पेपर दे रहा हूं, ₹100 पर पेपर के लिए मैं दे रहा हूं
और दिन के अगर 100 पेपर चेक करने के बाद मुझे 10,000 मिल रहे हैं, तो ये टास्क कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट हाथ में लेगा जिसका ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट है, वो जिसका बहुत अच्छा जॉब चल रहा है, वो जिसका बहुत अच्छा टीचिंग चल रहा है, वो हमारे पास तो आएंगे ही नहीं कभी, मेरे को तो फॉर्मेट से समझ में आ जाएगा मेरा बच्चा है, टक 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 100 बोलो आया ना, इज इट यस नो। तो ये टास्क वो उनको देते हैं या वो लोग लेते हैं जिनको कमाने की इच्छा होती है पर जिनके पास फिलहाल उतना अर्निंग नहीं होता जितना चाहिए। तुमने शायद कोई सीए को ये सुनते हुए नहीं देखा होगा कि हमने पेपर चेक किए, क्योंकि ये वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बोल दिया इंस्टीट्यूट उनकी सिर्फ बजाएगी नहीं, पेपर चेक करने के पहले साइन करना पड़ता है इंस्टीट्यूट के साथ कोड कि तुमने पेपर चेक किए, किसी को भी भनक भी लगी तो उठा के तुमको पहले जेल में डालेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली चेक करते हैं फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको दिन का कुछ तो भी, एक तो अर्निंग चाहिए नहीं तो टाइम पास चाहिए, रिटायर्ड है तो टाइम पास चाहिए और फ्रेशर है तो अर्निंग चाहिए। अब जो सिर्फ अर्निंग के हिसाब से ले रहा है मैक्सिमम तो अर्निंग वाले ही होंगे, रिटायर्ड वाला काम ही क्यों करेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, हमारे जैसे टीचर रिटायर्ड है पूरे तो हम करेंगे क्योंकि हमारा पैशन ही वही है, बराबर है। पर ऐसे है कितने, तो मैक्सिमम अर्निंग वाले वाली और रहते हैं सभी कि मेरे को कमाने का है, और जहां बंदा अर्निंग के ऊपर आ गया तो चाहेगा कम से कम समय में मैं 10,000 रुपए कमा लूं, 100 पेपर 100 रुपए, 10,000 रुपए कम से कम समय में, 4 घंटा 5 घंटा, बोलो हाँ है ना। और अगर मैं 4 से 5 घंटे में 100 पेपर चेक कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं 240 मिनट में 100 पेपर चेक कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं 2.4 मिनट में 1 पेपर चेक कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं 10 से 12 सेकंड में 1 क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, दैट मीन्स मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं तुम्हारा आंसर पढ़ू, दैट मीन्स मेरे को मॉडल आंसर चाहिए, दैट मीन्स मॉडल आंसर में जो कीवर्ड दिखेगा वो तुम्हारे आंसर में दिखेगा, तो अगले 10 सेकंड में एक तो राइट टिक होगा नहीं तो रॉन्ग टिक होगा, और मेरे को कुछ ही समझ में नहीं आया तो सिर्फ टिक टिक होगा और एवरेज मार्क जाएगा। ये वैल्यूअर का मेंटालिटी है। और जो लोग सप्लीमेंट लगाना चाहते हैं, अब तुम समझ गए होंगे गेम क्या है, 2.5 मिनट्स अगर वो तुम्हारे पेपर को दे रहा है भाई, दैट मीन्स 150 सेकंड अगर वो तुम्हारे पेपर को दे रहा है तो सप्लीमेंट वाला पेपर चेक करना चाहेगा या नॉर्मल आंसर शीट चेक करना चाहेगा। तो एग्जाम में अगर कभी गलती से कोई चिल्लाए आजू बाजू वाला, सर सप्लीमेंट, ऐसे देखने का बोलने का गया, ठीक है। पर कब तक गया बोलने का, जब तक एक हाथ दो बंदे ही पहले 1-2 घंटे में मांग रहे हो, पता चला पहले 2 घंटे में सबने सप्लीमेंट मांगी और तुमने ही नहीं मांगी, तो खुद के तरफ देखने का और बोलने का सबने मांगी मतलब पेपर ही लेन दिया भाई, फिर तुम कुछ तो भी गलत कर रहे हो। एक हाथ दो ने मांगी ये भी जम सकता है क्योंकि उनका हैंडराइटिंग वैसा हो सकता है, ठीक है। पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस चीज का बताऊं, ट्राई टू मैनेज अ पेपर इन द गिवन आंसर शीट। हाँ, लग रहा है आंसर शीट सप्लीमेंट ज्यादा बिकॉज तुम्हारी हैंड राइटिंग बड़ी है, कुछ कर नहीं सकते, पर जबरदस्ती लगाओ मत, समझ में आ रहा है। उससे ना बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बढ़ जाते हैं, सप्लीमेंट वाला पेपर भी स्कैन करके भेजना बहुत दिमाग को ताने भाई, तुमको मजाक लगेगा, अभी मैं आंसर राइटिंग पॉइंट्स के ऊपर आया ही नहीं हूं, मैं जिस दिन तुमको आंसर राइटिंग पॉइंट लिख के दिखाऊंगा और पेपर पैटर्न समझाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि हम कौन से हवा में बैठे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अब भी तुम्हारा एक हवा क्लियर हो गया होगा कि वैल्यूअर, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो। 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट से ज्यादा तुम्हारा पेपर चेक नहीं होने वाला बेटा, हायर टू हायर उसने चाय पिया है और पहला ही पेपर तुम्हारा चेक कर रहा है, चल 5 मिनट कि बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है तू, समझ में आ रहा है। 5 मिनट से ज्यादा अगर उसने तुम्हारे पेपर के ऊपर दिया ना, नाम बदल के रख देंगे अपन अपना,
समझ में आ रहा है? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल उसके लिए नहीं। और उसमें भी 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है भाई, तुमने सिर्फ काले गोले करके रखे, वो तो ओएमआर शीट में जा रहा है, इसके पास तो उससे भी कम क्वेश्चन है। आंसर समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बात याद रखना, वैल्यूअर को नॉलेज होना कंपलसरी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन में मैंने आपको जितना पढ़ा है ना, आई कैन राइट इट डाउन एंड टेल यू, इंडिया के 90% जनता को ये पता ही नहीं होगा, इवन इफ माइट बी दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बचे 10% मुझसे पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। आइडिया क्लियर है? बिल्कुल अज्यूम नहीं करने का वैल्यूअर को ज्ञान है, गधा है उसको। मॉडल आंसर में जो कीवर्ड दिख रहा है वो इधर दिख रहा है तो उसको पता है। हां, अगर वो तभी बहुत स्मार्ट माना जा सकता है, पर ऐसे कितने वैल्यूअर्स की प्रोबेबिलिटी है? दूसरी बात, चलो वैल्यूअर स्मार्ट भी होगा, जितना भी स्मार्ट होगा, चलो उसको नॉलेज भी होगा, एनीवेज वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कंटेंट। आपने देखा पिछले 3 लेक्चर में अपन ने किधर कॉम्प्रोमाइज किया? वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कंटेंट। तो तू अगर पढ़ रहा है ना तो उल्टा मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आंसर जब देखोगे अगले 1 महीने बाद, यू विल सी दैट कि नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, तू मेरे आंसर पढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, आप जिस तरीके से फॉर्मेट में आंसर्स लिखोगे, आई विल टेल यू, वो 30 से 50 सेकंड तुम्हारे पेपर के ऊपर ज्यादा ही देखे जाएगा, फॉर श्योर। ये मेरे से लिख के लेके जाना, अगर तुम प्रॉपर फॉर्मेटेड, प्रॉपर रूल फॉलो करके आंसर लिखते हो तो देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि खूबसूरत चीज देखने के बाद में सभी लोग ज्यादा देर तक ध्यान देते हैं। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार ये सुनो। सो वैल्यूअर का टेंशन लेने का नहीं, फिलहाल तुम सिर्फ इतना टेंशन लो, तुम तुम्हारा जॉब 100% कर रहे हो क्या? 100% जॉब कर रहे हो, बाद में रथ भी 5-6 फीट हिल जाए, हार भी जाओ, तो भी इतिहास में सुवर्ण हस्ताक्षरों में नाम आएगा उसको सक्सेस मानने का। पर उतनी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि अपन कर्ण नहीं है, अपने को पास होने का है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले ये सुनो। नेक्स्ट पॉइंट, सो प्रेसिडेंट का अप्रूवल, वेटो पावर, मार्क्स ज्यादा रहे तो लिखने के हैं। लास्ट पॉइंट, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दो कौन से दिन से। ये 3 चीजें मेंशन करना जरूरी, कौन से दिन से, कौन से एरिया में, कितने सेक्शन लगने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबिलिटी आप लिख सकते हो। इज इट वेरी क्लियर गाइज? जोर से बोलो। सो आज का लेक्चर काम में आया अच्छे से? चैप्टर सबको याद हुए? ट्राई एंड आज जाके जितने भी दोस्त वोस्त है उनको चैप्टर्स के नाम के साथ रिवाइज करना। अपने क्लास के है बेस्ट, दूसरे क्लास के है तुम्हारी मर्जी, ठीक है? सो इतना आपको याद रखने का है। कल आपकी सेमी क्लास है, ठीक है? कंपनीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जिसको नहीं पता कृपया मेरे साथ आइए पढ़ लीजिए। कल हम 10-12 केसेस पढ़ेंगे, जिसको पता है ही कैन टेक अ लीव, एंजॉय योर हॉलीडे, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो बच्चों, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। आज नहीं दिया। अच्छा, आज का होमवर्क, चैप्टर लिस्ट बार बार लिख के देखिए। टुडे एंड टुमारो द मच टाइम यू विल स्पेंड ऑन चैप्टर लिस्ट, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा कंपनीज एक्ट और पूरा अदर लॉ इतना ताकत से होगा कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा, ठीक है? जस्ट फिनिश इट ऑफ, खत्म करो, कहीं पे भी कोई गैप किसी भी वर्ड में नहीं होना चाहिए। जस्ट डू इट, ओके?